क्यों बे? ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अक्षये स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम गिरिदे स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ओम विजयाय स्वाहा, ओम सप्तले अस्ते नमिषस्तम निपा सप्तले अस्तम सदाभक प्रियानि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कुछ नहीं हुआ, सब आराम से हो गया। इंस्पेक्टर दामोदर ने सब संभाल लिया, उन्होंने एक्सीडेंट का केस बना लिया। तो ठीक है, जल्दी से 1,00,000 रुपए भेज दो। बैठो। क्यों रोसेट, क्या बात है? गांधीनगर सेंटर में मारी आधी एकड़ जमीन है। मैं 2 साल के लिए साउथ अफ्रीका गए, इस बीच वहाँ झुपड़ियाँ डाल दी। हम उस जगह को खाली करने से ये मना कर रहे हैं। वटे हमारी फ्लैट बना रही इच्छा है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। क्यों रे, क्या कहता है? भैया, जगह खाली पड़ी थी इसलिए कब्जा करके झोपड़ियां डलवा दी। अगर ऐसी बात है तो स्टेडियम पूरे का पूरा खाली पड़ा है, उस पे कब्जा कर ले। नहीं तो किला है ना, अरे वही जो पहाड़ी पर किला है, वो भी खाली पड़ा है, कब्जा कर ले। अगर वो भी काफी नहीं तो रामलीला का मैदान खाली पड़ा है, उस पे भी जाके कब्जा कर ले। भैया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा। देखो सेठ, वो गरीबों की झोपड़ियां हैं, खाली कराने के लिए कितना दोगे? 1 झोपड़ी का 5,000 और इन्हें 20,000 दे दूंगा। क्या कहता है? भैया, 1 झोपड़ी का 10,000, मुझे 40,000 दिलवा दीजिए ना, आपका एहसान मानूंगा। नमस्ते भाई। क्या हुआ रे हरिश्चंद्र, काम होने पर पैसा दूंगा कहा था ना, उसका कनेक्शन काट कर तुझे कनेक्शन दे के फाइनल सेटलमेंट करूंगा कहा था ना, माल कहाँ रे? थोड़ा टाइम दीजिए भाई, पहुँचा दूंगा। ए, अगर कल रात तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो मैं तेरा सेटलमेंट कर दूंगा। हो जाएगा भाई, चल जाए से। देख, मैं एक सुझाव देता हूँ, उसे मान लेना। 1 झोपड़ी का 7,000 और तुझे 40,000 मिलेगा। कल तक वो जगह खाली हो जानी चाहिए। जो आपने कहा वही होगा। चल जा। सुन सेठ, वो जगह तो 3 करोड़ की है ना, मुझे 1,50,00,000 भेज देना। और 2 3-3 बेडरूम वाले फ्लैट्स और वो बिल्डिंग के ऊपर जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेंट हाउस भाई। हाँ वही, वो मेरे छोटे भाई के नाम लिख देना। जी अच्छा, चलता हूँ। चल जा भाई। यही वो नेता है। क्यों रे नेता, सुना है फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा रहा है? बंद करवा दे। अगर तुझे कुछ पैसा चाहिए तो तेरे मालिक से बोल के भिजवा दूंगा, स्ट्राइक बंद हो जाए। तुम जैसे गुंडों के सामने हम मजदूर अपने घुटने नहीं टेकेंगे। मजदूरों की ताकत के सामने तुम्हारी ताकत कुछ नहीं है। हम जीते जी मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। हम मजदूरों की एकता ऐसी है कि तुम्हारी गुंडागर्दी को। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो जिंदा जमीन में काट दूंगा। स्ट्राइक बंद करेगा या नहीं? बंद कर दूंगा भाई। आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा, स्ट्राइक मैं आज ही बंद करवा दूंगा। मैंने ठाकुर सिंह के बारे में बताया था ना, वो यही है। आओ भाई आओ। ब्रांडी के फैक्ट्री के लिए लाइसेंस चाहिए, आप वो दिला सकते हैं। ऑफिसरों को देने के लिए एडवांस है। लाइसेंस तो मैं दिला दूंगा लेकिन मुनाफे में आधा मेरा हिस्सा होगा। ठीक है भाई, फैक्ट्री मेरे छोटे भाई के नाम पर रखना, सेंटिमेंटली अच्छा होगा। लेकिन नाम तो जो कहा वो कर। ठीक है। ए, मंत्री के पास जाना है, गाड़ी निकाल। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। सुनो, इन्हें कुछ पैसा देकर भेज दो। जी अच्छा, चलता हूँ। जी बहुत अच्छा। अरे अरे बाप रे, देखो तो। अरे देखो, किसी ने बच्चों को हाँ, चलो चलो देखते हैं, चलो चलो देखते हैं। अरे मुन्नी, वो चाहे कोई भी हो उसे जान से मार दो। मेरी टेंशन टेंशन बीपी 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 टेंशन 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 बीपी 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 शुगर 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 उस नरसिम्हा का आते ही ये सब बढ़ जाता है। लो आ गया।
क्या बात है नरसिम्हा, आज अपने हाथ में ब्रीफकेस लेके आए हो, कोई खास बात है? तुम रामचंद्र भाई को जानते हो ना? हाँ। वो ब्रांडिंग की फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसे लाइसेंस दिला दो। हाँ, लाइसेंस? जरा सोच के देखो, हमारे सीएम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जब से वो कुर्सी पे बैठे हैं, मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली। ये डील तुम ही कर लो। एडवांस लेने के बाद मैं जबान से नहीं मुकरता हूँ, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। मुझसे ये नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? तू जिस एरिया से एमएलए बनना चाहता वहाँ की सीट दिलाता हूँ, उसके लिए खून खराबा करता हूँ, फिर भी तू मेरा काम नहीं करेगा, यही ना? तुम गुस्सा मत हो नरसिम्हा, अच्छा मूड देख के सीएम से बात करूंगा, लाइसेंस की गारंटी मेरी। अरे जीजा जी, आप अच्छे हैं ना? काफी दिनों से आप इधर आए क्यों नहीं? थोड़ा काम था बहना। कैसा काम, यहाँ मैं कितनी अकेली रहती हूँ, और इन्हें देखिए ये रात में भी नहीं आते हैं। खैर इन्हें छोड़ो, आप भी तो हमारे घर का रास्ता भूल गए, कभी कभी यहाँ आ जाए करो। आएंगे, ये जरूर आएंगे, बार बार आएंगे। मैं चलती हूँ जीजा जी। ये तो क्या बोल रही है, किसी पराए आदमी से ऐसे बात करते हैं? वो कोई पराए आदमी थोड़ी है, वो तो जीजा जी है ना। तेरी बातों को समझना मुश्किल है, तू उसे जीजा बुला रही है, वो तुझे बहना बुला रहा है, ये रिश्ता मेरी समझ में नहीं आया। आप कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन मैं सब समझती हूँ, मैं जा रही हूँ। रुक रुक रुक, इधर इधर, मैं बात करूंगा। बड़ी आई जीजा बुलाने वाली, तुझे बाद में देखूंगा। जय राम जी की मंत्री साहब। आज चौधरी साहब कैसे आना हुआ? आजकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत डिमांड है ना, उसी के सिलसिले में बात करने आया हूँ। अरे तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो अपने पैसे के बल पे आकाश को छूने की कोशिश करोगे। सीएम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जरा संभल के। ये मेरे दोस्त हैं नरसिम्हा, इस शहर के डॉन हैं। नमस्ते, बैठो। ये चौधरी हैं, बैठो। नरसिम्हा जी, मेरा नाम है राकेश चौधरी, पुणे का हूँ। सीमेंट फैक्ट्री के ऑनर हैं, मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के सेक्रेटरी, बहुत बड़ी हस्ती हैं। और यहाँ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, दरअसल पिछले हफ्ते ही मैंने एक 24 लाख की बेंस कार खरीदी थी, चोरी हो गई, पुलिस कंप्लेन भी की, अभी तक नहीं मिली। हेलो, सुन राजू, एक बेंस कार चोरी हो गई है। चोरी कब हुई थी? पिछले शुक्रवार को। पिछले शुक्रवार के दिन? कहाँ से? एयरपोर्ट से। हाँ, एयरपोर्ट के पास से ही। गाड़ी का नंबर क्या था? AP99000। AP99000। हाँ वही, आधे घंटे के अंदर मंत्री के घर पे खड़ी होनी चाहिए। ओके। जीजा जी, आप अच्छे हैं ना? मुझसे कह रही हैं? हाँ, आपसे ही। क्या बात है, इतने उदास क्यों हैं? आप मेरी पत्नी दिल की बहुत ही अच्छी है, जो भी मिलने आता है उसका हालचाल पूछती है। अच्छा, भाभी अच्छी है ना? भाभी? वो कौन है? अरे आपकी पत्नी। लेकिन मेरी पत्नी आपकी भाभी कैसे हो गई? इनके लिए किसका कौन सा रिश्ता कोई मतलब नहीं, ये ऐसी हैं। जरा अंदर चलना। मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आती हूँ जीजा जी। हाँ ठीक है ठीक है, चल 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 चल। अरे ये क्या कर रहे हैं? तू पागल हो गई क्या, जो आने वालों से रिश्ता जोड़ती है? अरे ऐसे रिश्ते बढ़ाने से तो प्यार बढ़ता है। अरे उसकी तो, अब तुम किसी से बात नहीं करोगे, यही बैठो बैठो, अपने आप में बोलती रहना। भाई, आपने जिस गाड़ी के बारे में बताया था ले आया हूँ, ये रही चाबी। ओ गॉड, ये कैसे मुमकिन हो गया? यही तो नरसिम्हा की ताकत है। तुम्हारी गाड़ी की कीमत 24 लाख रुपए है ना, मेरे आदमी को 2 लाख रुपए दे दो, आयश कर लेगा। ठीक है, मैनेजर के हाथ भिजवा दूंगा। चलता हूँ मंत्री साहब। ठीक है, चलता हूँ। चलो, सीएम साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम लेट हो गए। बालिके, क्या है मनोव्यथा? वो ओम तत्सत। शादी हुए 5 साल हो गए पर संतान नहीं, दूसरा ब्याह रचाने के लिए तुम्हारा पति सोच रहा है। स्वामी जी, मैं सब जानता हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, तुम अंदर जाकर पवित्रमय स्नान कर लो, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, मुहूर्त निकल रहा है, ये मेरे शिष्य देख लेंगे, तुम अंदर जाकर स्नान करो। नमस्ते स्वामी जी। ओम तत्सत। मेरे प्रिय भक्त गणों, आप सब तो जानते ही हैं, 10 अवतार के विषय में भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए युगों में अनेक अवतार लिए गए, मेरी कोशिश भी वही है। अंतर आत्मा से दूर दृष्टि का ज्ञान होता है मुझे, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सर्वज्ञानी हूँ,
अहम ब्रह्मास्मि, सर्वस्व मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ। प्रिय भक्त गणों, किसी भी प्राणी पर अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। मैं सांसारिक नहीं, मैं अपने भक्तों का सदैव उद्धार करूंगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये उपदेश जल्दी खत्म करो। हाँ? भक्तों, अपने मन को पवित्र रखना होगा, यही मेरा आज का उपदेश है, समझ गए? अब आप लोग एक एक करके स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत। स्वामी जी ने शिवलिंग का प्रसाद दिया है, वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, पता है ना? सच कह रही हूँ, तू तो वाकई बड़ी किस्मत वाली है। तुम्हारे स्वामी जी के भेष में बहुत ताकत है, भक्तों की तो लाइन लगी रहती है। हाँ जानता हूँ, वो तो दिख रहा है ना। अच्छा, उस कुमार का क्या हुआ? उसे ठिकाने लगा दिया। बाप रे, अब मेरे मन को शांति मिली, नहीं तो मेरे प्राण निकल गए होते। तुम बेकार में क्यों डर रहे हो, उसके लिए नरसिम्हा है ना, फिर भी कुछ हुआ तो मैं हूँ ना, लेकिन तुम हो कि टेंशन टेंशन टेंशन। सब तैयार है, जल्दी से अंदर चलो। स्नान करके तुम पवित्र हो गई हो ना बालिके? जी हाँ। पूजा करने से पहले इसे ग्रहण करो बालिके। सिर चकरा रहा है स्वामी जी। चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा। देखो चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारे ये जो फोटो हमने खींचे हैं ना, ये बाहर छपवा देंगे, तब फिर क्या करेगी, ये सोच ले। अरे अरे सुन सुन, अरे सुनो सुन सुन सुन। अरे हाँ क्या है सर? हमारे एरिया में गुंडों की गुंडागर्दी बढ़ गई है सर, बस में जाने से भी डर लगता है। तो मैं क्या करूं, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर आऊं या तुम्हारे एरिया में हर एक के लिए एक एक गनमैन प्रोवाइड करूं? ऐसी बात नहीं है। जो बोलना था बोल दिया, कंप्लेन लिखा के जाओ यहाँ से, जाओ। मैडम कंप्लेंट लिखाए बिना ही जा रही हैं? वो दरअसल कुछ नहीं, टीजिंग का केस है, किसी ने छेड़खानी की, ऐसा बोल रही थी। मिस्टर दामोदर, विल यू कीप क्वाइट, प्लीज सिट डाउन, यहां बैठिए, रिलैक्स, बेझिझक अपनी कंप्लेंट लिखाइए। अशोक नगर में लड़कों की गुंडागर्दी बढ़ गई है सर, हमें बहुत डर लगने लगा है, कहीं भी आ जा नहीं पाते हैं, वो लोग हमें छेड़ते हैं, गलत गलत हरकतें भी करते हैं, हम पे हाथ डालने की कोशिश भी करते हैं। ऑफिस के टाइम पे बस स्टैंड जाते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है, बस स्टॉप पे डैशिंग करते हैं, छेड़ते हैं, अनाप शराब बोलते रहते हैं, इतना सब हो जाने पर जब ऑफिस पहुंचते हैं तो लेट हो जाते हैं, वहाँ डांट पड़ती है, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं सर। प्लीज कंट्रोल, कंट्रोल योरसेल्फ। आई एम सॉरी, कई बार कंप्लेंट भी लिखाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं देख लूंगा, अब आप जा सकती हैं। मिस्टर दामोदर सर, हमारे डिपार्टमेंट पर से लोगों का विश्वास क्यों हटता जा रहा है, क्या तुम इसकी वजह जानते हो? डू यू नो व्हाई? रूढ़ बातें जो करते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते, ड्यूटी, डिसिप्लिन, ये सब धीरे धीरे घट रहा है। कंप्लेंट लिखाने के लिए जो भी आता है उसके साथ में अच्छा व्यवहार करो। अरे मानसिंह, हमारे थाने के जो बुरे दिन चल रहे थे लगता है वो सुधर गए हैं। बिल्कुल सही। खुश भी हो? अरे छोड़ो ना यार, लेकिन वो तो मिस अफ्रीका है। इन लड़कों की आजकल बहुत हिम्मत बढ़ गई है, मेरे हाथ में अगर बंदूक होती तो इन सबको एक एक करके शूट कर देती। ए, अभी देखना है। Ah!
सर, एमएलए कृष्णा आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। यस सर। नमस्कार एमएलए साहब, बैठिए ना। ये क्या साहब, आप नीचे बैठ गए? तुम्हारी पुलिस स्टेशन की कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, कभी नहीं बैठूंगा। हमसे भला ऐसी कौन सी भूल हो गई? मेरे लोगों को जेल में बंद करके तुमने मेरा अपमान किया। इस एरिया का मैं एमएलए हूँ, मुझे ही इस पुलिस स्टेशन तक आना पड़ गया। सर प्लीज, आप पहले कुर्सी में तो बैठिए ना। ये एरिया आपका है, पुलिस स्टेशन भी आप ही का है, आप कुर्सी पर बैठिए ना। तुम्हारी इस बात पर मैं खुश हुआ। वैसे आपका तो कोई भी आदमी अंदर नहीं है। जिन लोगों को तुमने अशोक नगर से पकड़ा है वो मेरे लोग हैं। अरे छोड़िए ना साहब, वो लोग आपके कहां से हुए? वो तो हमेशा पुलिस स्टेशन आया जाया करते हैं साहब। कांस्टेबल, अरे देख क्या रहे हो, साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, ठंडा होना चाहिए। ओके सर। वो मेरे लोग यानी मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी है साहब। रोड पे जाने वाली लड़कियों से, बस स्टैंड पे खड़ी लड़कियों से ये लोग छेड़छाड़ करते हैं। किसी की बहू बेटियों के साथ में ये लोग टक्कर मारते हैं, बदमाश हैं ये। तो आपके कार्यकर्ता कहाँ से हो पाएंगे? वैसे आपकी पार्टी की एक इमेज है, उसका एक चरित्र है। मैं उसी पार्टी के एमएलए की हैसियत से बोल रहा हूँ, वो मेरे लोग हैं, उन्हें छोड़ दो। ठीक है, जरूर छोड़ दूंगा। कांस्टेबल सर, उन्हें लेकर आओ। जी अच्छा। आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए ना साहब जी। एमएलए जैसे बड़े आदमी को तुम लोगों की वजह से पुलिस स्टेशन में आना पड़ गया। अरे आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए साहब जी। हमेशा लोगों के सेवा कार्य में लगे रहने वाले आपका इन्होंने टाइम वेस्ट किया, इतने कमीने हैं। ये क्या कह रहे हो? आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए ना। तुम लोगों को कार्यकर्ता बनाने के लिए इन्होंने कितनी तकलीफें उठाई हैं तुम्हें पता है? और तुमने उन्हें पुलिस स्टेशन में बुला लिया, उन्हें यहाँ आना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से, और यहाँ तुम लोगों के चेहरे देखकर उन्हें कितनी शर्म आई होगी। मेरी एक अर्जेंट पार्टी मीटिंग आ गई है, मैं जा रहा हूँ। इनको छोड़ दो भैया, बेचारे बहुत घबरा गए हैं। जरूर छोड़ दूंगा सर, आपके कहने पर भी भला मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा। अगर दोबारा तुम में से कोई भी किसी लड़की के नजदीक भी नजर आया तो जिंदगी भर के लिए नामर्द बना के छोड़ दूंगा। आज एमएलए साहब के कहने की वजह से छोड़ दे रहा हूँ, आइंदा याद रखना। अब आप जाइए ना, इन्हें भी ले जाइए। कांस्टेबल सर, इन सबसे साइन करवा के इन्हें छोड़ दो। जी अच्छा। जूते निकाल कर आइए। ये क्या सुजाता, सरप्राइज देने के लिए मुझे एक भी मौका नहीं देती हो, क्यों? तुम पुलिस बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करते हो मैं नहीं जानती क्या? तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी से तैयार हो जाओ ना। क्यों, फिर से कहीं ट्रांसफर हो गया क्या जो इतनी जल्दी मचा रहे हो? मेरा ट्रांसफर करने वाला तो इस शहर में कोई भी नहीं है। एक बढ़िया से होटल में खाना खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, घर के लिए सामान वगैरह खरीदेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, कमान कमान। आइसक्रीम चाहिए, 2 आइसक्रीम सैंक्शन। ओके ओके, जल्दी तैयार हो जाओ, कमान। क्यों, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या? हेलो, जब भी जहाँ भी जो भी होना है वो हो के रहेगा और मैं बता दूंगा। चलो चलो चलो, 5 मिनट में तैयार होकर यहाँ आ जाओ, कमान, हरी अप हरी अप। हेलो, यस सर, ऑफिस में अभी पहुँचता हूँ सर। 5 मिनट में पहुँचता हूँ, जरूर। सॉरी डियर, कमिश्नर ने मुझे अर्जेंट से बुलाया है। मेरा भी बिल्कुल यही डायलॉग है, सॉरी। अपनी नौकरी के चक्कर में तुम हम सबको भूल जाते हो, लेकिन अपने काम की बातें जरा भी नहीं भूलते हो। तुम्हारे काम के बारे में मैं जानती हूँ, तुम जाओ, घूमने किसी और दिन चलेंगे, ठीक है? थैंक यू। यस मिस्टर अशोक, ये लोग जर्नलिस्ट है। आज दोपहर मशहूर जर्नलिस्ट मिस्टर कुमार की मौत हो गई, हमारे लोगों ने एक्सीडेंट का केस बनाया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो मर्डर है। कोई सबूत है क्या? शहर में जो गुंडागर्दी हो रही उसका उन्होंने खुलासा किया था, इसीलिए पब्लिक के बीच में उनका खून किया गया, उन्होंने मुझे खुद बताया था। तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? पुलिस वालों पर उन्हें विश्वास नहीं था। तो क्या तुम लोगों को विश्वास है? विश्वास तो हमें भी नहीं, लेकिन सच्चाई बाहर निकाल के रहेंगे। हम जर्नलिस्टों के लिए आजकल कोई सुरक्षा नहीं। तुम्हारे इंस्पेक्टर ने रिश्वत लेकर केस को एक्सीडेंट में बदलकर फाइल ही क्लोज कर दी।
हमारे कुमार का खूनी चाहे जो भी हो, हम उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। तुम्हारे डिपार्टमेंट का भी पर्दाफाश होगा। hey! Hold your tongue. पुलिस डिपार्टमेंट पर कमेंट करना तुम लोगों का फैशन बन गया है। कोई एक रिश्वत लेता है, पूरे डिपार्टमेंट को तुम लोग रिश्वतखोर बना देते हो। किसी एक की गलती तुम पूरे डिपार्टमेंट के सिर पर मंडते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे डिपार्टमेंट में ईमानदार लोग भी काम करते हैं, लोगों के लिए अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। हमारे राज्य में जब दंगे होते हैं तो कितने ईमानदार ऑफिसर मर जाते हैं, और उस तरह के ईमानदार ऑफिसर हमारे पूरे देश में भरे हुए हैं, जो जनता की इज्जत आबरू बचाने में अपने प्राण त्याग दिया करते हैं। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही का केस है, नक्सलवादियों के हमले में पुलिस वाले ही बलि चढ़ गए थे। हमारे पुलिस वाले जान की बाजी लगाते हैं, क्या तुम ये जानते हो? कुलडन अशोक, कुलडन, कुलडन। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ही जो दिन रात जनता की सेवा में लगा रहता है, हर एक पुलिस वाला। सर, मैं उस केस को दोबारा खोलूंगा। ओके। मिस्टर दामोदर, जर्नलिस्ट कुमार की फाइल जरा निकालो। वो फाइल तो बंद हो गई ना सर। डू व्हाट आई से। ओके। वो तो एक्सीडेंट का केस था ना सर। हाउ कैन यू से दैट? खुद उसकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिया था, देख लीजिए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। इंक्वायरी में भी यही बात सामने आई थी। ओ आई सी, तुम्हें कुमार की वाइफ का पता मालूम है ना? हाँ सर। मुझे वहां ले चलो। हमेशा तो तुम सिविल ड्रेस में आते थे, तो आज अचानक वर्दी में कैसे? लगता है दोनों की अच्छी खासी जान पहचान है। कुमार की पत्नी आप ही है ना? जी हाँ सर। आपके पति की मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट में सर। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इनसे। एक्सीडेंट में हुई सर। कहाँ हुआ था? पहाड़ी वाले मंदिर से जब लौट रहे थे तो रास्ते में हुआ था। उस वक्त आप कहाँ थी? मैं उनके पास में ही थी सर। रोड के बीचों बीच वो एक्सीडेंट हुआ था, फौरन हम उन्हें अस्पताल भी लेके गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। प्लीज खुद को संभालिए। कुमार एक्सीडेंट में नहीं, उनका खून हुआ है, ऐसी उनके सहयोगियों ने कंप्लेंट दी है, इसलिए फिर से छानबीन होगी, शायद आपसे दोबारा मिलना पड़े। मिस्टर दामोदर। यस सर। तुम इनसे कुछ पूछना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं सर। तो चलो। नमस्ते स्वामी जी। ओम तत्सत। मेरा नाम है लक्ष्मी। पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मन में शांति नहीं है। जहाँ दौलत होती है वहाँ ऐसा होता है। यहाँ जितने भी काम करते हैं सब करोड़पति हैं, विदेश जाकर भी यहाँ आ गए हैं। मन की शांति नहीं थी, इसलिए सब त्याग कर इस आश्रम में ज्वाइन हो गए और सारी संपत्ति आश्रम को दान कर दी। मैं भी दान कर दूंगी, मुझे भी स्वीकार लीजिए स्वामी जी। अति सुंदर, आज से ही तुम्हारा निवास यही है, तुम्हारी संपत्ति आश्रम है, आश्रम ही संपत्ति। ओम तत्सत। प्रतिदिन पूजा करना, मन को शांति मिलेगी। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी लुट गए। स्वामी जी। क्या लुट गई? मेरी नींद लुट गई स्वामी जी। क्यों, क्या हुआ? वो नया इंस्पेक्टर मेरे घर में इंक्वायरी के लिए आया हुआ था, मुझसे पूछताछ कर रहा था। तुम कुछ नहीं जानती हो ऐसा बोल दो। वैसे उसने काफी कुछ पूछा, लेकिन जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। समझ गया, सब कुछ ओम तत्सत ही संभाल लेंगे। लगता है सीआई को देखकर तुम घबरा गई हो। चलो तुम्हें उपदेश देता हूँ। Hey!
डॉक्टर, व्हाट इज दिस? डेड बॉडी डॉक्टर, अर्जेंटली पोस्टमार्टम कराना है। किस लिए कराना है? तुम कौन हो? सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। क्यों करना है अब तो समझ गए ना, अर्जेंट। अभी नहीं होगा, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, दूसरा डॉक्टर आने वाला है, उसे कराना। ये इंपॉर्टेंट केस है डॉक्टर, लेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसकी मौत में कई गहरे राज हैं, इसका पोस्टमार्टम कीजिए। मैंने कहा ना मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? नहीं तो तुम क्या करोगे? तेरी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दूंगा। नर्स, पोस्टमार्टम की तैयारी करो। पूरा कंफर्म है कि उसका खून ही हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग दामोदर, आराम से पियो। गुड मॉर्निंग सर। ये तो काफी कॉस्टली है, फॉरेन की है ना, ड्यूटी आवर्स है ना, आराम से पियो। सर आपके सामने। मिस्टर दामोदर, कुमार के लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया था? जरूरत नहीं पड़ी सर। अपनी जरूरत के लिए तुमने उसकी जरूरत नहीं समझी, am I right? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं। ये गलत है। जिस दिन खून हुआ उसके बाद 2 दिन की छुट्टी लेकर तुम दूसरे शहर चले गए थे, क्या ये गलत है? या 50,000 के जो जेवर बनवाए वो गलत है? झूठ है क्या? सर मैं भी एक इंस्पेक्टर हूँ, मुझे आपके बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है मिस्टर दामोदर, ये घर तो तुम्हारा ही है ना? ये मेरी वाइफ के नाम पर है। और बाहर जो मारुति कार है वो भी उसी के नाम पर है। कलर टीवी, वीसीआर, फ्रिज, फर्नीचर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मेरी वाइफ को दहेज में मिला है सर। मतलब मंदिर के बाहर तुम्हारे ससुर की जो चप्पल की दुकान है उसने लाखों की कमाई की है, ऐसा मैं मानू? मिस्टर दामोदर मेरी पर्सनल जिंदगी में जाने की जरूरत नहीं, आप मानता हूँ कि मेरे से सीनियर हैं, लेकिन मैं भी एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, ये बात आप मत भूलिए। ऐसा बोलते हो तुझे शर्म नहीं आती है? जरा से पैसों के लिए कानून को ताक पे रखने वाला कमीना है तू। पैसे कमाने के और भी बहुत रास्ते हैं, उनसे कमा ले, लेकिन कानून को बेचने की कोशिश कभी मत करना। कम ऑन, फॉलो मी। कहाँ के लिए? कुमार की वाइफ को अरेस्ट करने के लिए। मिस्टर श्यामलाल, मैं हूँ अशोक। हाँ, तुम सबको लेके कुमार के घर पहुंचो। ओके। मिस्टर श्यामलाल, तुम यहीं पर रहना, एम्बुलेंस को बुलाओ। दामोदर, हे, कौन है? रोको गाड़ी। रिलैक्स दामोदर, रिलैक्स। बाप रे, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, नहीं तो मैं फंस गया होता। चिंता मत करो। दामोदर, कौन थे वो लोग? हे दामोदर, बताओ कौन थे वो लोग? मुझे माफ कर दीजिए। बताओ दामोदर। वो स्वामी जी। कौन स्वामी जी? मेरा नाम है राजशेखर, मैं राजेंद्र मिल का मालिक हूँ। मेरी पत्नी का नाम है लक्ष्मी, वो भी उस मिल की एक डायरेक्टर है।
आजकल वो स्वामी वीर बहादुर बसंत राय के यहाँ जाती है। वेट वेट, स्वामी का क्या नाम बताया? वीर बहादुर बसंत राय स्वामी। वीर बहादुर बसंत राय, हाँ बताइए। मेरी पत्नी उसके जाल में फंस गई, सारी संपत्ति आश्रम को दान कर दी, रात दिन वो वहीं रहती है। अब आप ही कोई एक्शन लीजिए। देखिए मिस्टर राजशेखर, ये बात हमारे डिपार्टमेंट को आज तक क्यों नहीं बताई गई? विश्वास नहीं था इसलिए, आपके बारे में सुना है, आप जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसीलिए आया हूँ। गुड, कंप्लेंट लिखा दीजिए। I will look after this matter immediately, please. Thank you, sir. अभी लिखाता हूँ। Sir, लगता है स्वामी जी का खराब टाइम आ गया है। Sir, लोगों के बीच एक पुलिस वाला हीरो कैसे बनता है आज देख रहा हूँ। मेरी इंस्पिरेशन आप ही हैं। मैं यही फॉलो करूँगा। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, तुम भी ईमानदारी बरतोगे तो ऐसा बन सकते हो। चलो स्वामी जी का आश्रम चलते हैं। स्वामी जी कहाँ हैं? वो अंदर पूजा कर रहे हैं। अच्छे समय पर आए हो, आरती ले लीजिए। श्यामलाल, हमें आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने खाकी कपड़े पहने हैं, मैंने गेरुआ कपड़े पहने हैं, और दोनों ही प्रजा के सेवक हैं। आपके काम आए भला मेरे पास ऐसी कौन सी जानकारी है? हमारे इंस्पेक्टर दामोदर ने मरते समय आपका नाम बताया, क्यों बताया होगा? दरअसल वो मेरा ही भक्त था, वो मेरा बहुत ही आदर करता था, 24 घंटे मेरा ही नाम जपता था, इसलिए उसने मरते समय भी कहा होगा। आप लोगों को धोखा देते हैं, ऐसी एक आदमी ने कंप्लेंट दी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सतयुग में राम ने परीक्षा दी, त्रेता युग में कृष्ण ने दी, और आज इस युग में वही क्षण समझ लो मेरे सामने है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं तो आश्रम में खोजबीन कर लो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, मगर ड्यूटी है ना, बस इसीलिए। हर इंसान की ड्यूटी होती है मानव सेवा, और वही मैं कर रहा हूँ। ओम तत्सत। ये कंगन का प्रसाद रख लो। ओम तत्सत। कंगन तो मैं भी निकालता हूँ स्वामी जी, हमारी ये हथकड़ी भी हाथों में पहनाई जाती है, वो भी मुजरिमों के। आपसे फिर भेंट होगी, अच्छा मुहूर्त देखकर। एक कार को टक्कर किसने मारी? अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता क्या? अरे कौन है तू? चुप, जो हमने किया वो गलत है। We have done wrong। उसे सॉरी बोलो, सॉरी बोलो उसे। सॉरी सर, सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ओके ठीक है। नहीं, जब तक हमें माफ नहीं करोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा भाई माफ किया। बाप रे, अब कहीं जाके मन को शांति मिली। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। ये तुमने क्या किया यार? छी, अब उसे मजा चखाएंगे। खोलो धक्का। गाड़ी के सामने आ रहे हैं। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुनो भैया सुनो, मैं एक बार तुम्हारी पत्नी का रेप करना चाहता हूँ। तुम बुरा मत मानना, उसके बाद तुम जो कहोगे हम करेंगे। कहो तो उसके लिए अभी से माफी मांग लेता हूँ। छोड़ दो मुझे। हेलो, सुनिए क्या हुआ? हेलो सुनिए, हेलो कौन है? क्या हुआ था मुझे बताओ। वहां मेरी पत्नी है। शिट। हे, ये काम किसने किया? सर, पेट्रोल पंप के पास कुछ गुंडे लड़के आए थे। हाँ। देखिए साहब, उन्होंने मेरी पत्नी के साथ क्या किया। वो अब किसी को देखते ही
बहुत डर रही है, यहाँ तक कि मुझे भी देखकर। कौन सा पंप था वो? वही ललिता पेट्रोल पंप। Hey, यहाँ एम्बेसडर कार में जो आया था उसके कुछ लड़कों से झड़प हुई थी, वो कौन थे? तुम्हारा ओनर कहाँ है? क्या चाहिए साहब? AIL 579 एम्बेसडर कार में एक पति पत्नी यहाँ से पेट्रोल भरा कर गए थे ना। रोज न जाने कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे पेट्रोल भरा के जाती हैं। अब सबको याद थोड़ी रख सकते हैं। यहाँ बाइक पर कुछ लड़के आए थे, उनसे उनका झगड़ा भी हुआ था। उन बाइक का नंबर मालूम है क्या? रोज न जाने कितने झगड़े होते हैं, सबको मैं याद रखता फिरूंगा क्या? अरे उन लड़कों ने उस पति पत्नी को मारा, उस औरत के साथ में रेप किया और वहाँ से भाग खड़े हुए। रोज न जाने कितने रेप होते हैं, कितने मर्डर होते हैं साहब, वो सब क्या मुझसे पूछ क्या करते हैं? उस आदमी ने मरते समय तेरे पेट्रोल पंप का नाम लिया। अगर ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी हमारे डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगी तो हम लोग गुनहगारों को कैसे पकड़ेंगे उल्लू कहीं के? AP 10L 1134। शाबाश, तुझ जैसे बोलने वाले से तो ये गूंगे ज्यादा अच्छे हैं। अगर वो लड़के मेरे हाथे नहीं चढ़े तो कसम से मैं तेरी जबान काट डालूंगा, तुझे भी गूंगा बना दूंगा। हे, अगर आज वो लोग बच गए तो कल तुम्हारी बीवी का रेप कर डालेंगे। सच बोलने की हिम्मत रखो। सबको गाड़ी में बिठाओ, सीधे थाने ले चलो। चल। नमस्कार साहब, आइए अंदर आइए ना। आइए सर, बैठे सब। साहब के लिए पंखा चला दे और कॉफी लेकर आ। लगाओ फोन, लगाओ। आज तक मुझे कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसने मुझे मारा, मुझे मारा। लगाओ मंत्री को फोन लगाओ। दरअसल ये सीआई साहब आपके बारे में जानते नहीं है ना, मंत्री जी तक क्यों जा रहे हैं? सर कॉफी लीजिए। तुम पुलिस वालों के लिए? हम गुंडे 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 हैं। नया है स्टेशन में, इसीलिए शायद वो मुझे नहीं जानता है। फोन लगाओ, लगाओ मंत्री जी को फोन लगाओ। हमें उन्हें पहले बता दिया था कि आप नरसिम्हा के भाई हैं। क्या बताया था? मारा, फिर भी मारा। बहुत मारा। ये हमारे एरिया में नहीं रहना चाहिए, मिनिस्टर को बोल के बदली करानी होगी। लगाओ फोन, लगाओ फोन। लगाना, कितनी देर से बोल रहा हूँ फोन लगाने के लिए। इधर आ रहे, मैं कौन हूं जानता है? 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 जानता है? मैं नरसिम्हा का छोटा भाई हूँ। नरसिम्हा का भाई है तो क्या रेप और मर्डर करता फिरेगा? पुलिस स्टेशन का तेरे बाप का है? वो नरसिम्हा आखिर है कौन? इस शहर का किंग है सर, माफिया लीडर है, बहुत पावरफुल है, ऊपर तक तो पहुंच है उसकी। चचे, पुलिस वाला है तू? शर्म नहीं आती? एक गुंडे का बखान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? हमारी वर्दी को देखते ही लोग कांपने लगते हैं, ऐसे हिलने लगते हैं, लेकिन तुम लोग तो उन्हें देख के घबराते हो। अगर तुम में वो हिम्मत नहीं है तो इस नौकरी पर क्यों आए? आइंदा याद रखना, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब जाके उसे मार। सर। अब जाके उसे मार। ओके सर। मार, जोर से मारना, आवाज निकलनी चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमारी कुर्सी पर बैठकर पैर पर पैर रखेगा, ये इसके बखान की बात नहीं है, हमारे लिए शर्म की बात है। लाइन में लग के एक एक करके इसे मारो। आपसे हमारी लाठियों को पावर मिल जाएगी। ये लोग हमारी खाकी वर्दी का मजाक उड़ाते फिरते थे ना, आज इसे दिखाऊंगा। दैट्स द स्पिरिट। हमारी लाठी की ताकत इस कमीने को बताओ। क्या मेरे भाई को अरेस्ट किया, उसे जेल में डाल दिया? थू,
मुझे ये बोलते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? मेरे भाई को छुड़ा कर लाओ। उसे अरेस्ट किया रेप और मर्डर के आरोप में। अरेस्ट करने वाला बहुत जिद्दी इंस्पेक्टर है। आज हॉलीडे है, कल अदालत में बेल सैंक्शन करा के छुड़ा लेंगे। ए, तू क्या कह रहा है? हमारे लिए बेल क्या है? ए, मिनिस्टर को फोन लगा। जी अच्छा। हेलो। हेलो। मंत्री साहब हैं क्या? नहीं है। नहीं है? क्यों, कहाँ गया? नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता है तो पीए क्यों बना है? मोबाइल लेके गया है क्या? नहीं ले गए। थित। हेलो, कमिश्नर स्पीकिंग। कमिश्नर, मैं नरसिम्हा बात कर रहा हूँ। ओ नरसिम्हा जी, हाँ बोलिए। तुम्हारे इंस्पेक्टर ने मेरे भाई को अरेस्ट किया है, उससे कहो शराफत से उसे छोड़ दे, नहीं तो मुझे खुद पुलिस स्टेशन आना पड़ जाएगा। वो इंस्पेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है नरसिम्हा जी, मेरी बात तो छोड़िए, आईजी साहब खुद जाएंगे तो भी वो नहीं छोड़ेगा। एनीवे, तुम कोशिश करके देख लो। ठीक। भाई, कमिश्नर ने क्या कहा? उसने छुड़ाने से मना कर दिया है, छुटके को हम जाके छुड़ाएंगे, चलो। छुटके। नो, डोंट कॉल मी लाइक दैट। एक बार इधर घूम के तो देख। नो नो नो, आई कांट। छुटके, तुझे अंदर करने वाले को मैं जान से मार डालूंगा, लेकिन तुझे देखे बिना नहीं रह सकता। जरा घूम तो सही। खत्म हो गया, पहली बार सब खत्म हो गया, मेरी इज्जत भी लूट गई। आई वांट प्रॉब्लम। तू जो भी बोलेगा मैं करूंगा, लेकिन एक बार घूम तो सही। छुटके भैया, ये चोट कैसे लगी रे? तुझे आज तक मैंने थप्पड़ तक नहीं मारा, लेकिन तुझे मारा किसने? किसने मारा तुझे? यहां चिल्लाने का नहीं, साइलेंस। मेरे भाई पर हाथ उठाने वाला पुलिस वाला तू ही है ना? तूने मेरे छुटके को मारा ना? ये पूछने वाला तू कौन है? आप इन्हें नहीं जानते हैं? इस पूरे शहर के किंग है नरसिम्हा जी, आपने जिसे अंदर बंद किया वो इनका छोटा भाई है। हाँ तो इसमें क्या हुआ? मेरे छोटे भाई को सलाखों के पीछे करने वाला कलीजा, तुम पुलिस वालों में कहां से आया? सरकार से भले तनख्वाह तुम्हें लेट मिल सकती है, लेकिन इस नरसिम्हा से मिलने वाला हफ्ता वक्त पे पहुंचता है। अपना रेट बताओ। तो भले ही अपने आप में बहुत बड़ा दादा होगा, मगर मुझसे मत भिड़ना। मौके का नाजायज फायदा मत उठा। एक चुटकी बजाते ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे कदमों में होगा, और एक फोन घुमाने पर राज्य के सारे मंत्री यहाँ पर होंगे। शराफत से बोल रहा हूँ, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, मेरे लोगों को छोड़ दे। इसको छुड़ाने के लिए कोई भी क्यों ना आ जाए, नहीं छुटेगा। गेट आउट। इंस्पेक्टर, अगर मैं अपने भाई को छुड़ा कर नहीं ले गया तो मेरा नाम भी नरसिम्हा नहीं। 15 लारियों में आदमियों को भर के लाके इस पुलिस स्टेशन को बम से उड़ा के मेरे भाई को छुड़ा कर ले जाऊंगा। कमॉन, लेके जा इसे। कमॉन, लेके जा। अपनी माँ का दूध पिया है तो लेके जा। अगर तू एक ही बाप की औलाद है तो लेके जा। आ जा, ले जा इसे। इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी करने के लिए तूने इसे अपना अड्डा समझा है? तू? ये पुलिस स्टेशन है, किसी तवायफ का अड्डा नहीं, याद रखना। लेके जा। अबे मर्द है तो लेके जा। छोड़ो मुझे। भैया रहने दो, ये बहुत खतरनाक है, जो कहता है करता है। तुम जाओ भैया, प्लीज जाओ। कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? इस शहर में मेरा नाम सुनते लोग पेशाब करने लग जाते हैं, और तू चाहता है कि मैं इससे डर के भाग जाऊं? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। रहने दो, हम इसे बाद में निपटेंगे, चलो। कल अदालत में कुछ भी करके हम इन्हें छुड़वा लेंगे, चलिए। मेरे भाई को मारा तूने, मेरी आंखों के सामने मारा तूने, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रख। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ कि मुझे हाथ भी लगाए? अंदर बंद करो इसे। गेट आउट। मेरे सामने तू उसे मारता है, इस नरसिम्हा के सामने उसे मारता है, मैं तुझे अपनी ताकत दिखाऊंगा। तुझ जैसे गीदड़ों की ताकत मेरे इन बूट्स के तलवे तलवे के नीचे दबके रह जाती है, समझा? पुलिस वाला हूं मैं। टेंशन टेंशन टेंशन, बीपी बीपी बीपी, शुगर शुगर शुगर, लगता है हमारी वाट लग जाएगी। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है यार? ये क्या कोई लेडीज फार्म हाउस है? जो जब चाहो बुला लो। टेंशन टेंशन, बीपी बीपी, शुगर शुगर, बहुत बढ़ गई है। अरे शुगर तेरी नहीं, मेरी बढ़ गई है। आ? कोई भक्ति नहीं है इसमें, मैं क्या करूं? चाहे कितना भी टेंशन चढ़ जाए, कोई बात नहीं। स्वामी जी, एक भक्ति आपसे मिलने के लिए आई हैं, आपके दर्शन पाना चाहती हैं। ये आ गई, टेंशन टेंशन। वो है कौन? पता नहीं स्वामी जी। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आ? स्नान करा के भेजता हूँ। स्नान बाद में, पहले मुझे मिलने दो। टेंशन टेंशन। ठीक है। आई
आप यहाँ? हाँ, स्वामी जी के पास में क्यों आई है? ऐसी बात मत बोलिए, पाप लगेगा। कुछ नहीं होगा, स्वामी जी कैसे आदमी है जानती हो? जानती हूँ। जानते तो फिर यहाँ क्यों आई? सब लोगों से तारीफ सुनी इसीलिए आई, एक बार उनके दर्शन करके चली जाऊंगी। क्या कहा? मैं उनसे उपदेश लेने आई हूँ। क्या क्या? नहीं किया, स्नान कराने के बाद ही करते हैं ना। तो स्नान किया था क्या? नहीं, उस दिन बाथरूम खाली नहीं था ना, किसी और दिन आने के लिए कहा इसीलिए आई हूँ। बाप रे, हे भगवान, ये क्या मुझे शौक पे शौक दे जा रहा है। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो आप भी यहीं पर हैं। चलिए मैं अभी स्नान करके आती हूँ। स्नान? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, स्वामी जी ने मुझसे ऐसा कहा है। अरे रहने दो ना, ये मामूली स्नान नहीं है। हाँ सही कहा, स्वामी जी ने बताया था यहाँ स्नान करने पर गंगा में स्नान करने का पुण्य मिलता है। गंगा का स्नान नहीं है, गंगा तो अपवित्र हो गई है। नदी वाली गंगा नहीं, बाथरूम में जो गंगा। आप यहीं रुके, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। अरे स्वामी जी, तुम कहाँ चले गए? ये बात नहीं मान रही है। ये नहीं मान रही है क्या? छोड़ो ना, ये भक्त नहीं मेरी पत्नी है। तुम ही समझाओ ना, तुम समझाओगे तो घर चली जाएगी। इसका दिमाग हल्का सा खिसका हुआ है। आज बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा है, तुम किसी और दिन आ जाना। अब तुम अपने घर जाओ। अगली बार जब मैं आऊंगी ना, बाथरूम खाली हो या ना, कोई बात नहीं, नल में भले ही पानी ना आता हो लेकिन आप मुझे डायरेक्ट उपदेश दे देना। जरूर दूंगा, अभी तो तुम जाओ। क्या? हाँ? उपदेश करेगा? अरे नहीं नहीं, अब जाके मेरा टेंशन हल्का हुआ है। मेरा भाई वहाँ जेल के अंदर बंद है, तुम लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो। क्या कहा? तुम्हारा भाई जेल के अंदर बंद है? उस इंस्पेक्टर ने मेरे भाई को अंदर किया है और मेरी इज्जत सरेआम नीलाम भी की है। मैं उस इंस्पेक्टर के ब्लड ग्रुप का मुहूर्त निकलवाने के लिए आया हूँ। गुस्सा मत करो नरसिम्हा, पुलिस वालों से संभल के रहना चाहिए। एक सुराग मिलने पर पूरे सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस वालों की दोस्ती एक हद तक ही ठीक रहती है, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो पूरा डिपार्टमेंट एक होकर हमें ही मार डालता है। बिना पुलिस वालों की मदद के गुंडाराज कभी फलता नहीं है, इसीलिए उस इंस्पेक्टर से डायरेक्ट फाइट करेंगे। तो क्या करने के लिए कह रहे हो? मेरे पास इंटरनेशनल किलर्स की लिस्ट है, उनमें से एक को चुनेंगे। इसका नाम है विजय, अनाथ आश्रम में पला बड़ा, बाहर आकर मैकेनिक बन गया और शादी भी कर ली। एक इंस्पेक्टर की इसकी पत्नी पर नजर पड़ गई, उसने उसका रेप करके उसे जान से मार डाला और उसके खून का आरोप इस पर लगाकर इसे जेल भेज दिया। बाहर आने पर इस विजय ने उस इंस्पेक्टर का बड़ी ही बेरहमी से खून कर दिया। पुलिस के नाम से भी ये चढ़ता है। पुलिस वालों को मारने के लिए इसके लिए एक बोतल शराब ही काफी है। अभी तक इसने 20-25 खून कर दिए हैं, उनमें से आधे तो पुलिस ऑफिसर थे। ये जिस शहर में जाता है अपना नाम बदल लेता है और आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। हमारे काम के लिए यही सही है। फोन। हेलो, उनसे अर्जेंट बात करनी है, तुम्हारे लिए अर्जेंट फोन है। हेलो, अशोक हियर। हेलो सर, क्लॉक टावर सेंटर में भगदड़ मची हुई है, आप जल्दी आकर कंट्रोल कीजिए नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी, जनता बहुत बुरी तरह डरी हुई है। कहाँ? क्लॉक टावर सेंटर में। आप कौन है? प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ये क्या, तुमने हाथ धो लिए? खाना आदमी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घंटा घर के पास कुछ गड़बड़ हो गई है। तो पुलिस स्टेशन फोन तो कर दो। तुम फोन कर दो।
डॉक्टर अशोक कौन से वार्ड में है? वो 302 में है। सर, सीआई की पत्नी है। ये सब कैसे हो गया? सिर पे ये पट्टी कैसे? ये खून कैसे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, जख्म गहरा नहीं है, 2 दिन में भर जाएगा। प्लीज बताइए डॉक्टर, इन्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? मैंने कहा ना चिंता की कोई बात नहीं है, 2 दिन के बाद आप मेरे घर भी ले जा सकते हैं। यू डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ओके सी यू सर। ओके, तुम चिंता मत करो, अशोक को कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं होगा सर? अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं और बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। इनके सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है सर। ये भी एक अनाथ है, मैं भी एक अनाथ हूँ सर, हमारा अपना कोई नहीं। ऐसा मत कहो, हमारा पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है। उससे क्या होगा सर? कल रात ये जब अपना खाना खा रहे थे, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसा बोलकर फोन आया। फोन रिसीव करते ही ये उस गड़बड़ को निपटाने के लिए चले गए, और अब आकर देखती हूँ तो ये अस्पताल में घायल पड़े हुए हैं। क्या यही आपके डिपार्टमेंट का सहयोग है? प्लीज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में सोचने की कोशिश करो। मैं क्या सोचूं सर, वो यही कहेंगे कि प्रॉब्लम है। पत्नी और बच्ची को छोड़कर अपना फर्ज निभाने वाले का अगर ये हाल है तो कल अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या हाल होगा सर? वैसे भी जनता में आजकल पुलिस का खौफ रहता है। एक मजदूर भी जब काम के लिए निकलता है तो शाम 7 बजे तक वो अपने घर पहुंच जाता है, और बैंक में काम करने वाला अपनी 8 घंटे की नौकरी करके शाम को 5 बजे घर पहुंच जाता है। लेकिन वही अगर एक पुलिस वाला हो तो वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी बजाता है। सुबह जब पति काम के लिए निकल जाता है तो शाम को उसके लौटने तक हमें कितना टेंशन रहता है पता है? तुमने जो कहा वो एकदम सही है, गलत नहीं है। लेकिन जब कोई पुलिस में भर्ती होता है तो उस आदमी की जो भी पत्नी होती है समाज में उसका भी सर ऊंचा होता है, क्योंकि उसका पति जब मुजरिमों से कोई रिश्वत नहीं लेता है, सिंसियर ऑफिसर की तरह देश और देश के लोगों के लिए काम करके शहीद होता है और वो अमर बन जाता है, यही सम्मान उसकी पत्नी को भी मिलता है। तुम एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी हो, इस पर गर्व होना चाहिए। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वो विजय बहुत बड़ा किलर है बोल के कलकत्ता से बुलवाया, फिर भी उसे मारने में नाकामयाब रहा। ओम तत्सत, ये प्रसाद ले लो, क्रोध ठंडा हो जाएगा। ये ड्रामाबाजी मेरे पास नहीं, अपने भक्तों के पास रख। उसको बुलाकर हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उस विजय की गणित में कहीं कोई गड़बड़ रह गई है। हमारे धंधे में गड़बड़ कभी नहीं होती है, अगर कोई करता भी है तो जान से मारा जाता है, यही हमारे धंधे का उसूल है। ठीक है, उस सीआई को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले विजय को संभालो। उसका इंतजाम करके आया हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? विजय, अब हमें तेरी जरूरत नहीं, फोन रख। हेलो हेलो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, नहीं तो मार दूंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। नाउ इज परफेक्ट, आप इन्हें अब आराम से घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके, घर चले। सुनिए, पता नहीं एक आदमी हमारे घर आके बेहोश हो गया, उसे गोली लगी थी। मैं कितना घबरा गई थी पता है, फौरन मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया और श्यामलाल जी ने आकर उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। वो है कौन, कहाँ भर्ती कराया? कौन है ये तो पता नहीं, इसी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती है। चलो देखते हैं। Yeah.
अभी इसकी कंडीशन क्या है डॉक्टर? गोली लगी थी पर डरने की कोई बात नहीं। ये चीजें इसी की है ना? जी हाँ। श्यामलाल सर, इसके आसपास सिक्योरिटी का इंतजाम करो, जैसे ही होश में आए फौरन मुझे इतला करो। ओके सर। सुजाता चलो बाहर चलो। तुम तो वेस्ट हो, द ग्रेट माफिया किंग, केवल एक इंस्पेक्टर को नहीं मार पाए। तुम वेस्ट हो, कलकत्ता से किलर को भी बुलाया, वो भी वेस्ट निकला। वेस्ट वो जो इंस्पेक्टर है, उसने 24 घंटे मुझे अंदर रखा। हैट्स ऑफ टू हिम, उसके गट्स को कंग्रेचुलेट करता हूँ। उसके बाद उसने जो मुझे मारा है, उसके लिए उसकी पूजा पूजा मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हा छुटके, अब इंस्पेक्टर से पहले उस विजय को मारना होगा, वो बहुत खतरनाक है, अब वही हमारा टारगेट है। हेलो सर, मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ। हाँ श्यामलाल, टेल मी। जिसे गोली लगी थी वो पेशेंट भाग गया। व्हाट? वो भाग गया? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? सॉरी सर, मैं बाथरूम के लिए गया था, इतनी देर में ये सब हो गया। बहुत बुरा हुआ। एनी इंस्ट्रक्शन? वो अभी तक शहर में ही होगा, पूरे शहर की नाकाबंदी करा दो। ठीक है सर, ऐसा ही करता हूँ। ओके ओके, आई विल कॉल यू लेटर। अशोक, माय फ्रेंड। तू कैसा है यार? यार, इस घर में आने के बाद ही मुझे पता चला कि तू ही मेरा अशोक है। मैं अस्पताल में ही जान गया था। सुजाता, ये कौन है पता है? मैं हमेशा बोला करता था ना, मेरे बचपन का एक दोस्त है, वो यही है। स्वाति, अभी आई डैडी। He is my friend। मैं जानती हूँ, विजय अंकल है ना? अरे मेरा नाम ये स्वाति कैसे जानती है? तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। जब आप छोटे थे, मादर टेरेसा अनाथ आश्रम में रहते थे। सेवेंथ क्लास में डैडी को पढ़ाई में फर्स्ट रैंक और अंकल बॉक्सिंग में फर्स्ट आते थे। वेरी गुड। तुम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मैं जानती हूँ। एक बार मास्टर जी ने डैडी को मारा था, आपने मास्टर जी को बहुत मारा और आपको उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। ओके ओके स्वाति। क्यों यार, मेरे बारे में इन सबको पहले ही बता दिया। ये हमेशा तुम्हारे बारे में और तुम्हारी दोस्ती के बारे में बोलते रहते हैं। तुम्हारी फैमिली से मिलकर मैं वाकई बहुत खुश हो गया। तुझसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई है यार। शादी के बाद आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी दिख रही है। तुम अपनी ये खुशियाँ और बचपन की यादें आपस में बांटो, मैं जाके खाना तैयार करती हूँ। थैंक यू। चलो। आजा। हाँ, हाँ। इतनी दूर मैं कलकत्ता से आया भी तो तेरी जान लेने के लिए, मुझे माफ कर दे यार। मेरे हाथों जिन्होंने पाप करवाना चाहा, उस स्वामी और नरसिम्हा का सर काट के तेरे कदमों में लाकर डाल दूंगा। नो, तुम्हें अब कोई जुर्म करने की जरूरत नहीं है, उन कमीनों से मैं निपट लूंगा। नरसिम्हा के भाई को एक औरत के रेप के जुर्म में और उसके पति को मारने के जुर्म में मैंने अरेस्ट किया था, लेकिन उस केस में वो आसानी से बच गया था। लेकिन अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं कानूनन उसे अदालत से सजा दिलवा के रहूंगा। हे, तुम्हारा कानून उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उन्होंने कानून को जेब में रखा हुआ है। उन दोनों कमीनों को जान से मारने में और अपनी दोस्ती का हक अदा करने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। हे विजय, ये तो क्या बोल रहा है, किसी और के लिए अपने दोस्त को खो, इतना बड़ा पागल नहीं हूं मैं। हे, अगर उन्हें मारना ही मेरा लक्ष्य होता तो 2 बुलेट्स, मेरी रिवॉल्वर की 2 बुलेट्स उनके लिए काफी हैं। विजय, दोस्ती और कानून मेरी नजर में दोनों एक ही हैं। जरूरत पड़ने पर उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तू बहुत ही मुश्किल से मुझे मिल पाया है विजय, और सुन, जिस कानून ने तुम्हें अपराधी बनाया है उसी कानून के सामने तुम्हें निरपराधी बनाकर अपनी दोस्ती और ईमानदारी का जश्न मनाकर ही मैं अपना दम तोड़ूंगा। मेरी बात मान यार, तू यहीं रह ले। ठीक है यार। वाह।
क्या समझता है हम लोगों से बच के भाग जाएगा? हमारे खिलाफ तो कंप्लेंट देता है। दूंगा, तुम्हारी ये करतूतें मैं सबको बताऊंगा, तुम्हें अदालत में लेके जाऊंगा। तुम सब मिलके इस आश्रम में जो ब्लू फिल्में बनाते हो उसे पेपर में छपवा के सारे देश को बताऊंगा। तू जिंदा रहेगा तभी तो बताएगा ना। ये रोशनी कैसी थी? अरे ऐसी बिजली चमकी है। उसने फोटो खींची है, जल्दी पकड़ो उसे। अशोक, अशोक जल्दी उठ। क्या हुआ यार? ये देख। अरे यार ये फोटोस क्या हैं? उस ढोंगी स्वामी को और नरसिम्हा को अरेस्ट करके फांसी पे चढ़ाने के लिए यही सबूत है। रात को जो तुम मुझसे बता रहा था वो यही है? हाँ, ये एक कैमरा समझ लो, एक टाइम बम है। उस स्वामी और नरसिम्हा को मौत के घाट उतारने के लिए इसके अंदर निगेटिव है। सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। विजय, तुमने ये कैसा रिस्क उठाया तुम्हें पता है? अशोक, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम उन्हें फांसी दिलाओ, नहीं तो मैं खुद उन्हें मार डालूंगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बिल्कुल नहीं बदला यार। बचपन में ही तुम मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। तेरे जैसा एक दोस्त मेरे लिए काफी है यार। बाकी का काम मैं संभालूंगा, चल। स्वामी जी और नरसिम्हा के खिलाफ ये पक्के सबूत हैं। उन्हें अरेस्ट करने के लिए मुझे वारंट चाहिए। वार? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? उसकी ऊपर तक बहुत पहुंच है, ये तो तुम जानते हो ना। ये बड़े लोगों का केस है। आप उन्हें बड़े लोग कह रहे हैं? वो बड़े नहीं, एकदम घटिया लोग हैं। वो फाइल और कैसेट देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। अरेस्ट करने के लिए ये काफी है। ओके अशोक, आई विल इशू द अरेस्ट वारंट, मगर शहर में कोई दंगा फसाद ना हो पाए इस बात का ख्याल रखना। जाओ अरेस्ट करो। सर्च। स्वामी जी कहाँ हैं? क्यों साहब, क्या हुआ? मैं स्वामी जी को अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। इस आश्रम में ब्लू फिल्म बनाई जाती है ऐसी हमें खबर मिली है। नंगी तस्वीरें और जितने भी इन्होंने खून किए उनके सबूत मेरे पास हैं। अदालत में मैं साबित कर दूंगा कि वो एक ढोंगी स्वामी है। सर, जब तक मैं स्वामी जी को पहचान पाई मेरी सारी दौलत लूट चुकी थी। अब हमारी इज्जत आबरू आपके हाथ में है। हमारी फोटो और कैसेट बाहर ना निकले वो देख लेना साहब जी। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप लोगों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इस तरह के साधु सन्यासी जो मैजिक दिखाते हैं उससे अपना जुर्म छुपाते हैं। कोई अंधा इंसान धोखा खाए तो बात अलग है, लेकिन आप लोग अंधे नहीं हैं बल्कि पढ़े लिखे हैं। ऐसे ढोंगी स्वामियों की कहानी रोजाना तुम पेपर में पढ़ा करते होंगे, उसके बावजूद उनके चंगुल में फंस जाते हो। जिस खानदान से तुम लोग संबंध रखते हो उनका नाम डुबोते हो। बी एन एजुकेटेड, डू एन एजुकेटेड। श्यामलाल, देखिए ना मामा जी, मम्मी संडे के दिन भी होमवर्क करने को कह रही हैं। हाँ, आज इसे छोड़ दो ना। आजा 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 मेरे पास आजा। रहने दो भैया, तुम कुछ नहीं जानते हो। तू चल पढ़। सुजाता, तुम स्वाति को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी समझ में। भैया वो लोग कौन है, यहाँ क्यों आए हैं? बताने का टाइम नहीं है, पहले तुम यहाँ से निकलो। कम ऑन, जल्दी चलो ना प्लीज। तुम अकेले उनसे मत भिड़ना, उन्हें फोन पर बता दो, वो सब संभाल लेंगे। मैं सबको संभाल लूंगा, तुम जाओ जल्दी चलो। देखो तुम उनसे अकेले मत लड़ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी बताओ। वो लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर जरा से भी खरोच आ गई तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम भी साथ में चलो प्लीज। नो नो, तुम अगर अभी भी बाहर नहीं गई तो तुम्हें मेरी कसम। हाँ
चलो। अंदर जाके सारे सबूत उठाकर लाओ। जब तक मेरी जान में जान है मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। इसका जो ब्लड ग्रुप है लगता है बहुत पावरफुल है। विजय, 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 ये कैसे हो गया? किसने किया ये? मैंने किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। सो जाता और साथी पर मैंने कोई आंच नहीं आने दी। विजय, चल अस्पताल चलते चल। अब अस्पताल की जरूरत नहीं यार। क्यों? सीधा भगवान के पास जाने का करो। अब मेरा बचना मुश्किल है यार। सुजाता, भैया क्या हुआ था? ये सब आखिर हुआ कैसे? मैंने इन्हें समझाया था कि मत लड़ो, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये किया किसने? किसने? वो नरसिम्हा और स्वामी। विजय, हमारी जान बचाने के लिए बेचारे विजय ने अपनी जान दे दी। हमारे शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक ही है। विजय, अशोक तो मेरी जान है बहन, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तब भी कोई गम नहीं। विजय विजय विजय, तुम जैसे ईमानदार ऑफिसर का दोस्त बनकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है यार। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड बाय। विजय 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 भैया, विजय आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, ओम तत्सत। तेरा ये जादू मेरे घर में दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे आदत पड़ गई है ना। स्वामी जी की आवाज लग रही है। स्वामी जी है। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, स्वामी जी खुद मेरे घर पधारे हैं। ओम तत्सत, तुम्हारा घर पवित्र करने के लिए आया हूं। ये मैं जानती थी। उस दिन आश्रम में जब मैं आई थी तब आपने मुझे वहाँ देखा था, तब भी मैं जान गई थी कि एक ना एक दिन आप मेरे घर जरूर आएंगे। तुम क्या कभी मेरे आश्रम में आई हो बहन? मैं उस दिन आई थी ना स्वामी जी, आप भूल गए क्या? हाँ याद आ गया, तुम अच्छी तो हो ना? आपने जो उपदेश दिया था उससे अच्छी हूँ। इन्होंने उपदेश दिया था? दिया था। अरे जीजा जी आप भी यही हैं? जीजा जी आप अच्छे हैं ना? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। जरा अंदर चलोगी? मेरी बात का तुम सच सच जवाब देना, तुम वहाँ पे कब गई थी? अरे उस दिन गई थी ना। कब? जिस दिन मैं वहाँ पे था उसी दिन ना? नहीं नहीं, उसके बाद। उसके बाद बुलाया? स्नान किया था? नहीं किया था। तो फिर उपदेश कैसे दिया? उपदेश दिया था। स्नान किया था? नहीं तो। तो फिर उपदेश कैसे दिया? उपदेश दिया था। नहीं दिया होगा, कैसे दिया होगा? स्नान किया पूछा तो मना कर रही हो, उपदेश दिया पूछा तो कह रही हो हाँ। स्नान कराए बिना वो उपदेश नहीं देता है, तो तुम्हें कैसे दिया होगा? डायरेक्ट उपदेश दिया। तुम कह रही हो कि स्वामी जी ने डायरेक्ट उपदेश दिया और घर आने पर उसे जीजा कह रही हो और वो भी तुझे बहना कह रहा है। तुम्हारी बात और उसकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसी बात नहीं है। इधर यही बैठना, मैं अभी आता हूँ। जो अभी आता तेरा जीजा होता। बढ़िया है, जीजा कहने वाली। आफ्टर ऑल वो एक सीआई है, लेकिन हम मंत्री तो तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, तो फिर डरने की क्या बात है? मैं उससे बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। अरेस्ट वारंट से वो किसी भी वक्त हमें गिरफ्तार कर लेगा तो? भले ही उसके पास वारंट है, लेकिन मेरे पास है हाई वोल्टेज का पावर। तुम यहाँ पे ऐसे रहोगे जैसे राष्ट्रपति भवन में हो, उसे मेरे यहाँ आने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। वो आ गया, चलो अंदर जाके छुप जाते हैं। ये पुलिस स्टेशन है, घबराने के लिए आने दो। आज मैं यहीं उसकी समाधि बना डालूंगा। तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ में जेल में रहना पड़ेगा। तीनों वहाँ बैठ कर रमी खेलेंगे। तू भी क्या बात करता है, उसे यहाँ आने दो, मैं संभाल लूंगा। तुम अंदर जाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारे पालतू कुत्तों को पकड़ने आया हूँ। किससे बात कर रहे हो पता है ना?
मिनिस्टर से। आप हमारे देश के माननीय मंत्री हैं, लेकिन आपके घर में गैर कानूनी लोग हैं। मैं यहाँ की जनता का हीरो हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ वही कानून होता है। तू आफ्टर ऑल एक सीआई है, तू मुझसे बात भी नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो तुझे ऐसी जगह ट्रांसफर कर सकता हूँ जहाँ तुझे एक आदमी भी कहीं दिखाई नहीं देगा। सर, मैं जिन्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, अगर आपने उसमें रुकावट डाली तो मैं आपको भी अरेस्ट करने से पीछे नहीं हटूंगा सर। क्या कहा? मुझे अरेस्ट करेगा? मेरे आगे पीछे घूमने वाला एक इंस्पेक्टर मुझे ही अरेस्ट करेगा? मेरी मीटिंग के दौरान बंदोबस्त में खड़ा रहने वाला इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट करेगा? मेरे बाथरूम में खड़े रहकर मेरे कपड़े सुखाने वाला इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट करेगा? करके दिखा, दिखा। सीएम साहब से तेरी रिपोर्ट करके तुझे सस्पेंड कराऊंगा, असेंबली में तेरी कहानी बताकर तुझे डिसमिस कराऊंगा। वो सब बाद की बातें हैं। ये अशोक कोई फैसला ले लेता है तो स्पॉट डिसीजन करता है। उन दोनों को अरेस्ट करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। बीप कर रहा है, बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब 17 मिनट पर फटने के लिए मैंने इसे सेट किया है। इस बीच आ गए तो ठीक है, नहीं तो धड़ाम से फटेगा। अगर बॉम्ब फटेगा तो मेरे साथ तू भी मर जाएगा। ऐ, जान हथेली पर रखकर घूमने वाला पुलिस ऑफिसर हूँ मैं। कुछ कमीनों को मार के अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, चुपचाप उन्हें मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अब 12 ही मिनट बचे हैं बम फटने में। अरे भैया तू ये क्या कह रहा है? इसे कोई खिलौना समझा है क्या? जो हाथ में पकड़ के डायलॉग बोले जा रहा है, बम है। मेरे हाथ में जो बम है वो फटे उससे पहले जो अंदर है बाहर आने चाहिए। आ जाओ, आ जाओ। और कितना टाइम बाकी है? 12 मिनट। 12 मिनट है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 2 मिनट कम हो गए। दरवाजा खुला है, टाइम नहीं, जल्दी से बाहर आ जा। मंत्री जी, अब सिर्फ 6 मिनट ही बचे हैं। 6 मिनट बचे हैं, जल्दी आ जा, जल्दी बाहर जा। अरे बाजार चले, अरे जल्दी रहे। 5 मिनट बचे हैं, अरे जल्दी आ जा, जल्दी आ जा रहे, जल्दी दरवाजा खोल रहे। अरे बाप रे, मंत्री तू हमें अरेस्ट कराएगा? अरे बातें बाद में कर लेना, उसने अपने हाथ में बॉम्ब रखा है, फट गया तो मर जाएंगे, हम सब के सब मर जाएंगे। आजा आजा, उसके पास चलो। इंस्पेक्टर, तू कुछ ज्यादा इशाना बन रहा है, लगता है तुझे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। पहले चल के तो जेल की तो हवा खा ले, चल। चल। अरे जाओ ना। जीप में बैठो। हम जीप में नहीं बैठेंगे, मैं और नरसिम्हा दोनों पैदल जाएंगे, तब पता चलेगा मेरी पॉपुलैरिटी क्या है। ये सही कह रहा है, हम पैदल ही जाएंगे। काफी अच्छा ख्याल है, ठीक है, ये आइडिया तो मुझे भी नहीं आया था। वैसे तुमने मुझे क्या अपने घर में काम करने वाला नौकर समझा है, जो मुझसे इस तरह की बहस कर रहे हो? है? मुझे हाथ मत लगाना, बैठता हूँ। व्हाट? नरसिम्हा जी और मंत्री जी को उस इंस्पेक्टर ने ही अरेस्ट किया है। अरेस्ट कहाँ किया है? मंत्री के घर में। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ए, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तो फिर उस दिन जब वो इंस्पेक्टर मुझे मार रहा था तब क्या किया उसने? क्या किया? वो कुछ भी तो नहीं कर पाया। अब इन दोनों को बाहर निकाल के इंस्पेक्टर का मुंह काला मैं करूंगा, मैं इन दोनों को छुड़ाऊंगा। या उनको निर्दोष छुड़ाने के लिए हमें चाहिए उनके पास में जो सबूत हैं, अगर वो सबूत अदालत में पेश हो गए तो कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए हमें वो सबूत उड़ाने होंगे। सबूत? राइट, यू आर राइट, यू हैव गॉट अ पॉइंट। लाऊंगा वो सबूत, मैं लाऊंगा उन सबूतों को, ला के केस को मैं तोड़ दूंगा। ओके। हेलो। हेलो मिस्टर अशोक, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, कौन है? बस तुम्हारा एक चाहने वाला। hey, कौन है तू? टाइम खोटी मत कर, किस लिए फोन किया बता। अरे बताता हूँ, बताता हूँ। मिस्टर देखो मेरे पास टाइम नहीं है, डोंट वेस्ट माय टाइम। वैसे अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम 3:55। और तुम्हारी बच्ची का स्कूल कितने बजे छूटता है? ठीक 4 बजे। उसके ठीक 5 मिनट बाद तेरी प्यारी सी बच्ची को मेरे लोग उठा लेंगे, अगर तेरे अंदर दम है तो बचा ले। hey. जो मुझे बताना था बता दिया, that's all. hey, तू है कौन? अब एक मिनट भी बर्बाद मत कर, जा। हेलो, हेलो, शिट। स्वाति को तुम लेकर आए हो?
फोन आते ही एकदम टेंशन में चले गए, आखिर हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम अंदर जाओ, मैं स्टेशन होके आता हूँ। बाय बेटा। बाय डैडी। चल। फिर से तुम? कौन हो? कौन हो तुम लोग? कौन हो? I am nameless. I am a problematic guy. I want problems. Don't touch the phone. आखिर तुम हो कौन? बताओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। At the top of your voice. I am not a good man, but I am a gentleman. Mommy. Hello. Naam kya hai, baby? Swati. Beautiful name. Ye chocolate de lo. Come on, come on. Thank you, uncle. Swati. Yani inspector ka taste bahut acha hai. मान लो कि तुम्हारे पास अभी जो चॉकलेट है उसमें अगर पॉइजन हो तो? स्वाति, फेंक दे। नो नीड फॉर टेंशन। मैंने तो बस मजाक किया। मेरे रेप केस को वो कोर्ट में ले गया, फिर भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर मुझे सबूत चाहिए, केस टूटना चाहिए, मेरा भाई छूटना चाहिए। बोलो, अपने आदमी से बोलो, अगर तुमने नहीं बोला तो समझ लो ये गुड़िया तुम्हारी स्वाति है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी स्वाति इस गुड़िया की माफिक बिल्कुल बेजान बन जाएगी। देखना चाहती हो कैसे? इसी तरह इसे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। आई एम नॉट ए गुड मैन, बट आई एम ए जेंटलमैन। मैं अपनी बात का जवाब ना मैं नहीं सुनना चाहता हूं। अंडरस्टैंड? बाय। Hello. Hello. Who is that? Nameless. I am nameless speaking. अबे तू है कौन? दुश्मन, your enemy. स्कूल में तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ सोचकर खुश हो रहे हो? घर जाके देखो। घर जाके देखूं? ए, तूने उनके साथ क्या किया? कमीने, तूने उनके साथ में क्या किया? खुद जाके देख लो ना, तुम्हारी पत्नी है, बच्ची है। अगर उन पर जरा सी आंच भी आई, जरा सी खरोंच भी आई तो तुझे मैं पाताल में से भी ढूंढ निकालूंगा और जान से मार दूंगा। हाँ। हेलो, हेलो, डैम इट। व्हाट हैपेंड सर? नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं। यस। कम ऑन, फोन उठाओ, लिफ्ट द फोन। ओ, फोन उठाओ। कम ऑन, फोन उठाओ। नो रिस्पॉन्स मिस्टर श्यामला। कम ऑन, फॉलो मी। सुजाता। डैडी, मम्मी को देखिए ना क्या हो गया, मुझसे बात ही नहीं कर रही है। सुजाता, सुजाता, क्या हुआ सुजाता? बताओ ना सुजाता। सुनिए सुजाता, कंट्रोल योरसेल्फ। आई से अब और क्या कंट्रोल करने के लिए कह रहे हो? हमें ये नौकरी नहीं चाहिए, ये शहर में नहीं चाहिए, हम यहाँ से कहीं और चले चलते हैं। तुम भूल रही हो कि तुम एक पुलिस वाले की पत्नी हो। पागलों सी बातें मत करो। तुम्हें पुलिस की नौकरी पर इतना गर्व क्यों है? ऐसी नौकरी भला किस काम की? एक चोर की पत्नी अच्छी तरह जानती है कि एक न एक दिन उसका पति जेल चला जाएगा। एक गुंडे की पत्नी भी जानती है कि उसका पति बीच सड़क में एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा।
लेकिन एक पुलिस वाले की पत्नी होने के नाते मैं क्या समझूं? 24 घंटे घर में टेंशन की स्पल क्या होगा, बस इसी बात की घबराहट रहती है। जो बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर पाएगा वो कानून की रक्षा करके क्या हासिल करेगा? ऐसा मत बोलना। कानून को तुमने क्या समझा है? क्या समझा है कानून को? अलमारी में बंद रहने वाली मोटी मोटी किताबें समझा है क्या? कानून जो है तू, मैं, ये बच्ची, पूरा देश कानून है। कानून की रक्षा करना यानी इस देश के करोड़ों लोगों की रक्षा करना है। करोड़ों लोगों की जान की सुरक्षा है। पति अपने स्वार्थ के लिए पत्नी की रक्षा करता है, वैसे ही एक माँ बच्चों की रक्षा करती है, एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। लेकिन कानून का रखवाला बनकर हमारे देश के करोड़ों लोगों की जान की रक्षा करने की शक्ति सिर्फ इस खाकी वर्दी को दी गई है। ये वर्दी पहनने वाला अपना फर्ज निभाता है। दिन दहाड़े बीच रोड में जब एक कमजोर आदमी को कई गुंडे मिलकर मार डालते हैं, तब वैसी परिस्थिति में उस कमजोर को बचाने में इस वर्दी के आड़े कुछ नहीं आता है। जब हमारी आंखों के सामने सरेआम किसी लड़की का मान भंग किया जाता है, तब उस लड़की को बचाने के लिए इस वर्दी के बीच कोई रुकावट नहीं आती है। इस अनाथ का कोई नहीं था, फिर भी मुझे अनाथ को इस पुलिस की नौकरी ने अपनाया। ये मेरी जान है। कानून की रक्षा करने में मेरी जान भी चली जाए तो गम नहीं। आई डोंट केयर। अगर मैं मरा भी तो अपनी नौकरी करते हुए मरूंगा, लेकिन ना मर्द बनकर जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई कांट। अशोक, मुझे माफ कर दो। पता नहीं घर में कौन आया और कहा कि अगर कोर्ट में वो केस हार गया तो स्वाति को मार डालेगा, ऐसी धमकी देकर गया। उस केस के संबंध में जितने भी सबूत है वो देने के लिए मुझसे कह कर गया। कौन माँ चाहेगी कि उसकी बच्ची उसके सामने मर जाए? मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। सुजाता, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, मैं भी हाथी की तरह अपनी नौकरी को निभा रहा हूँ। ये मेरा एक फर्ज है। बाप रे, चलो मम्मी डैडी का कॉम्प्रोमाइज हो गया। मिलॉर्ड, जिन पर इल्जाम लगा है नरसिम्हा जी और स्वामी जी, वह हमारे समाज में बड़े इंसान हैं। स्वामी जी अपने भक्तों का बहुत आदर करते हैं और नरसिम्हा जी गरीबों का भला करते हैं। कानून लोगों के लिए होता है, लेकिन उसी कानून का दुरुपयोग करके हमारे इस पुलिस ऑफिसर ने लोगों के देवता स्वामी जी और नरसिम्हा जी को कोर्ट में लाकर लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इन्हें सरकार ने जो अधिकार दिया है उसे पाकर मेरे क्लाइंट की सरेआम बेइज्जती की है। नो योर ऑनर, डिफेंस लॉयर के मुताबिक ये कोई जनता के सेवक नहीं बल्कि भक्षक है। ये सही है या गलत ऐसा फैसला सुनाने से पहले मैंने जो अदालत में सबूत पेश किए हैं एक बार उन्हें देख लीजिए, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। मिस्टर अशोक, आपने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप इन फोटो में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही ये साबित होता है कि ये खूनी है। आपके ये सबूत बेबुनियाद हैं। नहीं योर ऑनर, मेरे दोस्त ने अपनी जान पर खेलकर इन सबूतों को इकट्ठा किया है। सर, आप खुद ये फोटो देखकर बताइए। नो योर ऑनर, मैंने ये सबूत नहीं दिए थे। तो फिर दूसरे सबूत कौन से हैं और कहाँ हैं? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कोई गड़बड़ हुई है योर ऑनर। इस केस के सिलसिले में जो सबूत आपने जमा किए थे वो जज साहब ने देख लिए हैं। अब आप क्यों मुकर रहे हैं? कोई और सबूत है तो दिखाइए। सर, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, असली फोटोज को कहीं दबा दिया गया है। सर, मिस्टर अशोक, आपने जो भी सबूत पेश किए हैं और इन्हें अरेस्ट किया है वो सही है या गलत मैं डिसाइड करूंगा। सर, वो सबूत दिखाने के बाद ही मैंने कमिश्नर साहब से अरेस्ट वारंट लिया था। चाहो तो उन्हें बुलाकर पूछ लीजिए। सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, कोर्ट को चाहिए गवाह और सबूत। मैं तो जनता के सेवा कार्य करता हूँ, आश्रम में जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें सहारा देता हूँ। ये मुझे यहाँ किस जुर्म में पकड़ कर लाए ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। योर ऑनर, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, मुझे और बेचारे स्वामी जी को अरेस्ट करके लगता है पुलिस डिपार्टमेंट पॉपुलैरिटी पाना चाहता है। तुम जैसे पाखंडियों को पकड़कर पॉपुलैरिटी कमाने की मेरे डिपार्टमेंट को कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर अशोक, होल्ड योर टंग, ये कोर्ट है। सॉरी सर। स्वामी और नरसिम्हा को बिना किसी ठोस सबूत के अरेस्ट किया गया, इसलिए वो चाहे तो मानहानि का दावा कर सकते हैं, क्योंकि अदालत की नजर में ये दोनों बेगुनाह साबित हुए हैं, इसलिए ये अदालत दोनों को रिहा करती है और गैर जिम्मेदाराना पुलिस ऑफिसर को उनकी पहली गलती पर इन्हें चेतावनी दी जाती है। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग।
दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। ये कैसे मुमकिन है? कितनी मुश्किल से वो सबूत इकट्ठे किए गए थे, अचानक वो गायब कैसे हो गए? वो मैंने ही उसे दिए सर। व्हाट? सारे सबूत तुमने उसे ले जाके दिए? पागल हो गए क्या? आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं, आप ही मेरे इंस्पिरेशन हैं, ऐसा बोला करते थे, अब क्या हुआ? मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा जरूर दिया है, लेकिन पैसों के लिए नहीं, जान बचाने के लिए। दो दो जान बचाने के लिए दिए। किन की जान बचाने के लिए तुमने ऐसा किया? आपकी पत्नी और बच्ची की जान बचाने के लिए ही दिए। मेरी पत्नी और मेरी बच्ची की जान बचाने वाला तू कौन होता है? इतने बड़े मुजरिम के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए थे, जिन्हें पाने के लिए विजय ने अपनी जान दे दी, एक पुलिस वाला होकर ये करते हुए शर्म नहीं आई? पुलिस के नाते नहीं, इंसानियत के नाते मैंने ऐसा किया सर। जिस वक्त आपने उन दोनों को अरेस्ट किया, तभी से आपके परिवार के साथ क्या क्या हुआ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे में आपके परिवार को बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। अपनी पत्नी और बच्ची की जान बचाना मैं बखूबी जानता हूँ, लेकिन ऐसे मुजरिमों को छुड़वा कर हम हमारे देश और देश की जनता की रक्षा कैसे कर पाएंगे? सही कहा सर, पुलिस तो लोगों की रक्षा के लिए है, लेकिन पुलिस वालों का जो परिवार है उसकी भी रक्षा तो हमें ही करनी है ना? कानून व्यवस्था भी कोई चीज होती है, उसी के लिए तो हम इस नौकरी पर तैनात हैं। लोग मिस्टर श्यामलाल, मेरे परिवार में से किसी की जान भी चली जाए तो भी मैं अपना फर्ज नहीं भूलूंगा, माइंड इट। इंस्पेक्टर, अब तो जान गए ना इस नरसिम्हा की पावर क्या है। यहाँ की अदालत और कानून हमेशा मेरी जेब में रखा रहता है। ये लोग मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर जी रहे हैं, समझ गए ना? सुन अशोक, अब तो तेरी समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि हम लोग सच बोल रहे थे। किसी पर विश्वास करना सीख, मेरे आश्रम में आके शामिल हो जा, तेरे हाथों में इतनी रकम होगी संभाल नहीं पाएगा। ए अशोक, इस अदालत का न्याय मेरे लिए पान की गिलोरी के समान है, अब तो समझ गया ना? अगर मैं चाहूं तो इस अदालत की न्यायमूर्ति को अपने गेट के सामने लगा सकता हूं, इतनी ताकत मुझमें है। इस तरह घूर क्यों रहा है? इतना अपमान होने के बाद तू इस शहर में मेरे सामने सर नहीं उठा पाएगा। बदली करवा ले, प्रमोशन मैं दिला दूंगा, या अगर तू इसी शहर में रहना चाहता है तो मेरे लोगों से हफ्ता लेना शुरू कर दे और अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहना। आइडिया कैसा लगा? अय नरसिम्हा, जब तक मेरे बदन पर यह खाकी वर्दी रहती है मैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता हूँ। अगर मैंने ये वर्दी निकाल दी ना, तो तू तो क्या तेरे बाप से भी बड़ा गुंडा बन सकता हूँ मैं। ये याद रखना, मैं इसी शहर में रहूंगा लेकिन इंस्पेक्टर बन के नहीं, तुझे और तेरी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए अशोक बन के रहूंगा। अब इस शहर में तू रहेगा या मैं रहूंगा। शहर के जिस कोने में भी तूने अपनी गुंडागर्दी फैलाई है उसका खात्मा करके तू जिस जगह अपना रुआब झाड़ता है उसी जगह तुझे खत्म नहीं किया तो मेरा नाम भी अशोक नहीं। मुझे खत्म करने के लिए भले ही तुझे एक महीना लगे, अगर मैं चाहूं तो तुझे एक ही मिनट में खत्म कर सकता हूं। मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊंगा, चलो। राइट, उधर जाओ। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार। क्या हुआ? टेंशन में क्यों हो? क्या Please, हुआ? लीव मी अलोन। मम्मी, डैडी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं मम्मी, उन्हें देख के मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते। डैडी को देखकर तो गुंडे मवाली लोग डरते हैं, तुम मत डरो। डैडी तो हम दोनों से ढेर सारा प्यार करते हैं ना, जरूर कोई बात हुई होगी या किसी ने कुछ कहा होगा, इसलिए थोड़ा गुस्सा है। स्वाति, I'm sorry बेटा, I'm very sorry। दरअसल गलती मेरी ही है, घर आने के बाद भी मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ जैसे मैंने अभी भी वर्दी पहनी हो। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, मुजरिम, घर में भी इन्हीं के बारे में सोचता हूँ और उनका गुस्सा तुम पर निकालता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम भला हमसे क्यों माफी मांग रहे हो? तुम ना कभी कुछ गलत करते हो ना ही करोगे। तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है, लेकिन अदालत ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। शहर के सबसे बड़े गुंडे आज अदालत से बाइज्जत बरी हो गए और मैं खड़ा देखता रहा। एक पुलिस वाला होकर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे और मेरी सिंसियरिटी को जानते हुए भी आज अदालत ने मेरी इंसल्ट की, मेरी सिंसियरिटी का अपमान होने के बाद भी मेरा ये नौकरी करना सही नहीं। ये क्या तुम इस तरह की बात कर रहे हो?
एक पुलिस वाले की पत्नी होने के नाते 24 घंटे टेंशन में रहने वाली मुझे ही हिम्मत देने वाले तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहने वाले तुम ऐसी बातें कर रहे हो? देश के लिए, देश के लोगों के लिए जो अपने प्राण निछावर करता है वो शहीद कहलाता है। तुम भी वैसे ही एक वीर हो, तुम ईमानदार ऑफिसर हो। तुम्हें अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं हटना चाहिए और आइंदा कभी भूल से भी ऐसी बात मत करना। Yes, Dad. Life is a game. Play it. Life is a challenge. Face it. ये आपने कहा था और आप ही ऐसा बोल रहे हैं। सुजाता, मेरा फर्ज क्या है ये मुझे समझाकर तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया है। मेरी वर्दी की ताकत के बारे में तुमने मुझे समझाकर मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू। शॉपिंग करनी है? किस लिए? पुलिस मार्टिस डे कब है? अक्टूबर 21st। वो याद है, लेकिन अपनी बच्ची का बर्थडे भूल गए। अरे स्वाति का बर्थडे है, तब तो शॉपिंग जरूर करेंगे। केक का ऑर्डर दिया था, रेडी है ना? रेडी है मैडम। कोल्ड ड्रिंक भी देना। थैंक यू भैया। मुझे दीजिए ना मम्मी, मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं बेटी, खराब हो जाएगा। ए स्वाति, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरे सारे फ्रेंड्स देख के आश्चर्य करेंगे। हाँ सही कहा। ओके बेटा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तुम लोग यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। ओके, मैं भी आती हूँ ना डैडी। नो, तुम यहीं रहो। साइकिल से दूर चली जाओ। सुजाता, क्या कह रही हो? तुम दोनों मोटरसाइकिल से दूर हट जाओ। क्या हुआ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कह रही हो? शादी करते वक्त मैंने साथ रहने का वचन दिया था, लेकिन आज अचानक छोड़ के जाना पड़ रहा है। मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं। जिन्होंने ऐसा किया उन्हें जिंदा मत छोड़ना, चाहे कैसा भी मुजरिम क्यों ना हो, उन्हें सजा दिलाने वाले तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। सुजाता, 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 स्वाति, बेटी, बेटी, सुजाता।
अशोक, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम जैसे ऑफिसर की डिपार्टमेंट को बहुत जरूरत है। चाहो तो छुट्टी ले लो, कुछ दिनों के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। अब काहे की ड्यूटी सर, हम मुजरिमों को पकड़कर जेल में डालते हैं और जो सबूत पेश करते हैं उन सबूतों से खिलवाड़ करके, वकीलों को पैसे खिलाकर पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके वो मुजरिम बरी हो जाते हैं और फिर से वही लोगों के बीच गुंडागर्दी करते हैं। ऐसे में हम लोगों को कैसे बचा पाएंगे जब हमारी मेहनत का कोई फल नहीं निकलता है, तो इस नौकरी की जरूरत ही क्या है? ऐसे हादसे अक्सर जिंदगी में हो जाया करते हैं, उसके लिए क्या नौकरी को छोड़ देना चाहिए? तुमने किसी लक्ष्य के लिए इस नौकरी को चुना होगा ना? हाँ, लक्ष्य तो था सर, ईमानदारी से मुजरिमों को सजा दिलाने के चक्कर में मैंने अपने परिवार की बलि चढ़ा दिए सर। मैं 24 घंटे अपनी नौकरी के चक्कर में ही लगा रहता था। मैंने और मेरे परिवार ने इस पुलिस डिपार्टमेंट को क्या क्या नहीं दिया आपको पता है सर? आखिरी सांस तोड़ते हुए मेरी पत्नी ने मुझसे यही कहा कि कोई मुजरिम तुम्हारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। लोगों को सुरक्षा दिलाने वाला एक सच्चा पुलिस ऑफिसर हूं मैं, मेरी गोद में सिर रखकर आखिरी बार उसने ऐसा मुझसे कहा, और इसीलिए अब मुझे इस नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है सर। अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। मुझे, आपको, जज को, पत्रकारों को, सबको अच्छी तरह पता है कि वो नरसिम्हा और स्वामी मुजरिम हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और उसी फैसले ने मेरे परिवार को मार डाला। अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा मगर डिपार्टमेंट में रहकर नहीं। अशोक, किसी भी हालत में डिपार्टमेंट को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे इस रेजिग्नेशन को मैं लीव लेटर में बदल देता हूँ। नहीं सर, मैं रेजिग्नेशन जरूर दे रहा हूँ, लेकिन यह अशोक मरते दम तक कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। अशोक, मेरा कहना मानो। सॉरी सर, गुड बाय। हमारी पैसों की ताकत के सामने वो इंस्पेक्टर अशोक कहीं दुम दबा के गायब हो गया है। वो हमारी गुंडागर्दी का खात्मा नहीं कर पाया, उसे इसी बात की फीलिंग है। वो अपने आप को पुलिस डिपार्टमेंट समझता है। वो पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है, इसीलिए तो उसके मुंह पे कालिक पुत गई। ऐसी बातें जरा धीरे बोलो भैया, क्योंकि हवा का रुख बदलते हुए देर नहीं लगती है। अभी तक वो इंस्पेक्टर हमारे लिए चावलों में कंकर की तरह था। हमारी वजह से वो नौकरी छोड़कर अभी तक हिमालय चला गया होगा। हमने जो उसे सबक सिखाया है उससे इस शहर में तो क्या पूरे देश में हमारे सामने आवाज उठाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा। है जो विस्के के बोल ले गया हो। भैया आप लोगों ने बहुत पी लिया, अब बस करो, अपने घर जाओ। ये बोलने वाला तू कौन होता है? ये मैं भी जान रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे दुकान का लाइसेंस मिला है, एक्साइज वालों ने देख लिया तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मेहरबानी करके आप लोग जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझे भाषण से अपना सीआई है। अरे आप काय का सीआई है, इसे नौकरी से निकल गया है और क्या। अबे देख देख इसे, इस तरह घूर रहा देख। अबे ओए क्या देखता है। आज के बाद किसी को अरेस्ट नहीं करूंगा, ओनली जजमेंट। कल रात क्या हुआ था? खुशियां मनाई। खुशियां मनाई क्यों? हाँ, कल तो हम लोगों के लिए दिवाली से भी बहुत बड़ा त्योहार था, इसीलिए बहुत खुश है। यहाँ चार चार खून हुए, तुम्हें खुशी हो रही है? इन लोगों का खून नहीं किया गया, सजाए मौत दी गई है। ये काम कानून का है, जानते हो? नहीं जानता।
दुष्टों का संहार करने के लिए जैसे देवतागण आते थे, वैसे ही हमारे देश की रक्षा करने के लिए समझ लीजिए कोई अवतार है। यानी ये खून किसने किए तुम नहीं बताओगे? मैं तो क्या सर, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं बताएगा। आई सी, यहाँ रात क्या हुआ था किसी ने देखा था? मैंने देखा था। गुड, बताओ क्या देखा था? कल रात यहाँ एक आदमी गोलियां चला रहा था, पर कौन चला रहा था ये नहीं बताऊंगा। देखकर नहीं बताना जुर्म है, जानते हो ना? इसमें काहे का जुर्म? ये लोग हमें कितना परेशान किया करते थे, क्या कानून जानता है? यहाँ इनकी गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई थी। गुंडों को मिटाने वाला गुंडा नहीं होता है सर, क्योंकि वही कानून होता है, वही होता है जज। ये तो नमूना है, अब से ऐसे गुंडे रोजाना मरा करेंगे। वो तो इंसान नहीं फरिश्ता है, उसने हमारे लिए जो किया है उसके लिए मैं तो क्या, पूरा शहर जश्न मना रहा है। हम लोग मरते मर जाएंगे पर नाम नहीं बताएंगे। मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान खुद ले लूंगा, मुझे कोई मत रोकना, मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहे हो? रुको रुको, ऐसा क्या हो गया है? मेरे पांच पांच दोस्त थे, मेरे पांच दोस्तों में से चार दोस्त मारे गए, मैं ओ अकेला रह गया हूँ, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। आई एम अलोन। जिसने उन्हें मारा उसे मार के दोस्तों की आत्मा को शांति पहुँचाऊंगा, नहीं तो मैं खुद अपने आप को मार दूंगा। क्या हुआ जी? स्टार्ट नहीं हो रही है। मेरे मना करने पर भी नाइट शो फिल्म दिखाने लेकर आ गए, अब देखा ना क्या हुआ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराओ नहीं, स्कूटर यहीं छोड़कर कोई गाड़ी आएगी तो उसे लिफ्ट ले लेंगे। लिफ्ट सर, लिफ्ट। What happened? सर अचानक स्कूटर खराब हो गई, लिफ्ट चाहिए। छोड़ो मुझे। अरे ये सब कैसे हो गया? अरे मेरे राजू, अरे जल्दी से माला ला। सर सर, माला आप क्यों पहन रहे हैं? मरा तो वो है। अरे राजू की मौत नहीं हुई है, मेरी मेरी मौत हुई है, सच में मैं मरा हूँ। ये मेरे साथ बैठने उठने वाला इकलौता था, लेकिन इसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला, ये मर गया है। इसी के साथ मैं भी मर गया फोटो खींचने रहे। तुम लोगों की रात दिन मदद करने वाला राजू अगर मर गया तो समझ लो तुम लोग भी मर गए। अच्छा मैं चलता हूँ भाई लोगों, मैं चलता हूँ। सर यहाँ से ये पर्स मिला है। ये पर्स तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा है। कल रात क्या हुआ था? जवाब दो, कल रात क्या हुआ था? भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर एक खून हुआ है। तो उसमें हम क्या करें? खून करने वाले को तुमने जरूर देखा होगा, कौन था वो? हम नहीं बताएंगे। यानी खून किसने किया तुम नहीं बताओगे? अगर उसका खून नहीं हुआ होता तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई होती, मैं विधवा हो गई होती। किसी खूनी का साथ देना कानूनन जुर्म है, पता है? आप चाहे कुछ भी कहें, हमें बचाने वाले का नाम हम नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे तो मुझे तुम दोनों को हिरासत में लेना होगा। हमें धमका रहे हैं, आपसे जो बने कर लीजिए। हमें बचाने वाले भगवान को देखना चाहते हो ना, तो आइए मैं बताती हूँ। यही है वो जिन्होंने हमें बचाया। ध्यान से देखिए उनका फोटो, देखिए इनका जो भी एड्रेस हो लिख लीजिए, लिख लीजिए। एक एक करके हमारे लोग मारे जा रहे हैं, क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस? इसीलिए तो मैंने बुलाया है। किसको? कमिश्नर को। मुझे बुलवाया था सर, किस लिए? पूजा करने के लिए। क्या? और नहीं तो क्या भैया, मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसकी इंक्वायरी हो रही है सर, लेकिन जनता हमारा साथ नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? जो लोग मारे गए वो एक नंबर के बदमाश थे सर, इसलिए उनके मरने से जनता का सोचना है कि अच्छा हुआ। वो लोग बदमाश नहीं थे, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता थे। सॉरी सर, वो लोग गुंडे ही थे, उनमें से हर एक के ऊपर
बहुत सारे केस फाइल हुए हुए थे। ठीक है भैया, चलो हमने माना, लेकिन शहर में जो शांति भंग हुई। अब शहर में शांति है ऐसा लोग मान रहे हैं। लेकिन तुम जनता की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? मैं भी तो जनता में से एक हूँ ना सर। ओहो, तो ठीक है तुम जाओ। थैंक्स। हमारा वक्त खराब है, मुझे लगता है शहर में क्रांति आने वाली है, हमें होशियार रहना होगा। हेलो, इस वक्त टाइम क्या हुआ है रे? आर यू जोकिंग? अबे टाइम बताना। 12, बट 5 to 12। 5 मिनट में तेरा भाई मर जाएगा, बचा सकता है तो जाके बचा ले। क्या कहा, मेरे भाई को मारेगा? Who the hell are you? किलर। चुप कर कमीने। डार्लिंग इतने टेंशन में क्यों हो? अरे तू दफा होना यहाँ से। अरे भैया क्या बात हो गई? हटो बीच में से। क्या हो गया? अरे हटो बीच में से। भैया 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 तुम मर गए क्या? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं भैया? क्या हो गया तुझे, पागल हो गया क्या? तुम सच में मरे नहीं हो ना? जिंदा हो ना? मरे तो नहीं हो ना? तुम वाकई जिंदा हो ना भैया? मरे तो नहीं हो ना? मेरे भैया बच गए हैं, मेरे भैया बच गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? तूने ज्यादा चढ़ाई क्या? ऐसा कुछ नहीं भैया। रात में आके मेरे दिमाग की दही कर रहा है। उस किलर ने मुझे फोन किया था। ही फोन मी। तुझे फोन कब किया? 5 मिनट पहले। 5 मिनट्स में मारने को कहा था। 5 मिनट में मार दूंगा कहा था। उसने तुम्हारा खून करने के लिए कहा था। आई वांट प्रॉब्लम्स। आई गॉट द ब्लडी किलर। वो किलर कौन है मैं जान गया। वो है कौन? इंस्पेक्टर अशोक। रे छुटके, तू पागल हो गया है, तुझे पागल खाने भेजना पड़ेगा। और नहीं तो क्या रे, वो अशोक तो कहीं लापता हो गया है और तू कह रहा है कि वही खून कर रहा है। बिना एड्रेस वाला खून नहीं कर सकता, ऐसा कोई रूल है क्या? कोई पॉलिसी है क्या? टेल मी, वही किलर है। स्वामी जी मस्त है। नमस्ते भाई। नरसिम्हा। क्या हुआ, ये सब किसने किया? अरे मैं अपने बंगले में रंगरलियां मना रहा था, लेकिन वहाँ अशोक मेरा खून करने के लिए आ गया। अशोक आया था? वो इंस्पेक्टर किलर बन गया है? मेरा छोटा भाई पागल हो गया है सोच रहा था, लगता है मैं पागल हो गया हूँ। अभी तक हमारे जितने भी लोग मारे गए उनको उसी ने मारा है। तो कहो क्या करें? उस अशोक का अगला शिकार मैं ही हूँ, वो यहाँ भी मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे वो जान से मार देगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा इलाज पूरा होने तक यहाँ चारों ओर आदमी बिठा दूंगा। वो लोग अंदर एक चींटी को भी नहीं आने देंगे। वो लोग बाहर वालों को तो नहीं आने देंगे, लेकिन मेरा इलाज करने के लिए अलग अलग डॉक्टर यहाँ आते रहते हैं। अगर डॉक्टर के भेष में अशोक आ गया तो समझ लो मैं तो गया। तुम बेकार में मत घबराओ, इस पूरे अस्पताल में हमारे ही आदमी रहेंगे, तुम्हारे रूम के बाहर भी हमारा आदमी ही रहेगा। अच्छी बात है, लेकिन तुम भी जरा होशियार रहो। अब होशियार होने की जरूरत हमें नहीं उसे होगी। चलता हूँ। ठीक है। को देख के डर रहा है। ओम तत्सत। हम जानी था साहब, आप यही के मारे के लिए आवा रहे हैं। ये तो एक नंबर का कमीना रहन है। एक आप मार के आप बहुत अच्छा काम किए हैं यहाँ। साहब जी यहाँ से जाए में खतरा है, आप यहाँ से चला जाएं। जय हिंद साहब, जल्दी चला जा साहब। Hey!
सर। मर्डर पे मर्डर हुए जा रहे हैं, खून ही पकड़ा नहीं गया है और मैं भी उसके हिट लिस्ट में मौजूद हूँ। पता नहीं कब मुझे टपकाएगा, जबकि मेरे चारों तरफ तुम लोग हो। स्वामी जैसे को उसने अस्पताल में मार दिया, इसलिए तो मुझे टपका देगा, इस बात का मुझे डर है। मुझे तुम लोगों की सेवा नहीं चाहिए। वो जब सीआई की पोस्ट पे था तब मैंने उसका बहुत अपमान किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने स्वामी जी का सपोर्ट किया था, नासिमा का सपोर्ट किया था। वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। ये मर गया, ये मर गया, अरे बाप रे, ये मर गया, ये भी मारा गया, मेरे ब्लैक कैट मामा मारे गए। नहीं 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 नहीं, मुझे मत माना, मुझे मत माना, मुझे मुझे मत माना, मुझे मत माना। मुझे मत माना, मुझे मत माना, मुझे मत माना, मुझे 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 मत माना। सुनिए सुनिए, क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? क्यों नहीं, मैं जिंदा हूँ क्या? जिंदा ही तो हो। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, चिकुटी काट जा रहा, दर्द हो रहा है। यानी एक सपना था, ये सपना हकीकत में बदले उससे पहले हम यहाँ से कहीं और भाग चलते हैं। कहाँ जाओगे? कहीं भी। और तुम्हारी मंत्रीगिरी? तेल लेने गई मंत्रीगिरी, अभी तो मैं जिंदा हूँ, आज नहीं तो कल वो किलर मुझे भी जान से मार डालेगा। कुछ दिन के बाद चलेंगे ना, अभी जाने में क्या है? यहाँ रह के भी भला ऐसा क्या हुआ? क्यों, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ है। अब ज्यादा सोच मत, भाग्यवान, जल्दी से निकल रहे। मुझे ये जंगल पसंद नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तू रहना चाहता है या नहीं, लेकिन उसके मरने तक तुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं यहाँ रहूंगा तो उसे वहाँ कौन मारेगा? शहर में चारों तरफ हमारे आदमी फैले हैं, वो लोग उसे मारकर उसकी लाश लेकर यहाँ आएंगे। या, वो हमारे आदमियों को एक एक करके मार रहा है, वन बाई वन, वो हमें भी मार डालेगा। ए, तू अंदर जा, अगर वो आया तो मारा जाएगा, तू चल।
मैंने अपना फर्ज निभाया, अब आप अपना फर्ज निभाइए। सर, यू डिजर्व इट माई बॉय, कम ऑन। आप कोर्ट को कुछ बताना चाहते हैं? आप मुझे फांसी की सजा दें, ऐसा मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है सर। मेरा जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है और कानून व्यवस्था को कोई आंच ना है, इसलिए पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के हर पुलिस वाले को लाठी क्यों दी जाती है, क्या आप ये बता सकते हैं योर ऑनर? देश के कानून की रक्षा करने के लिए और प्रजा को उनका हक दिलाने के लिए। आपका कहना ठीक है, मगर पुलिस की लाठी देख कर एक कुत्ता भी नहीं डरता है योर ऑनर। अभी से जनता के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, कानून की रक्षा कैसे होगी? गुंडों को सुधारने के लिए हम पुलिस वालों को लाठी दी जाती है, लेकिन उसी लाठी की आवाज अदालतों में दब के रह जाती है सर। पुलिस वालों की लाठी में इतना दम होता है कि अच्छे से अच्छा मुजरिम भी कांपता है, लेकिन किसी की सुरक्षा के लिए आज लाठी चलाने के लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है सर। गुनेगार चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे बड़ी से बड़ी सजा देता है हमारा न्याय। लेकिन अदालतों से जब मुजरिम साफ बच जाते हैं तो हम दर्शक बन के उन्हें देखते रहते हैं। अगर कहीं पर कोई बवाल हो जाता है या किसी की पार्टी पर कहीं हमला हो जाता है तो शहर में बंद करा देते हैं, अदालत में हंगामा मचा देते हैं। लेकिन यहाँ रोजाना जब खूनियों पर मुकदमे चलाए जाते हैं तो उस वक्त ये इंक्वायरी कमीशन कहाँ चली जाती है? उस समय इन नेताओं को अपने लोगों की जरा सी भी याद नहीं आती है ना योर ऑनर। गुंडा राज खत्म करने के लिए अगर दो बार पुलिस की लाठी को जोर से घुमा दिया जाए तो उसके लिए बंद करते हैं, रास्ता रोकते हैं, असेंबली में उस लाठी चार्ज की बहस करके उसे उछालते हैं हमारे नेतागण। और जब हमारे ही डिपार्टमेंट के कितने लोग शहीद हो जाते हैं तो किसी के चेहरे पर जरा सा पश्चाताप भी नहीं झलकता है योर ऑनर। अब आप ही बताइए ये कहां का न्याय है? गुंडाइज्म को खत्म करने के लिए अगर इस धारा में शक्ति नहीं है तो इस धारा को ही बदल दीजिए। जरूरत पड़े तो हमारे देश के संविधान को बदल दीजिए, जनता की भलाई के लिए बदल दीजिए सर। बीच रोड में अगर कोई गुंडा मर्डर करता है तो उसे वहीं मार देना चाहिए। किसी अबला के साथ जब बेरहमी से कोई बलात्कार करता है तो ऐसे वहशी दरिंदे को उसी जगह पर जान से मार देना चाहिए। हमारे देश में अगर कोई चोरी करता है तो उसके दोनों हाथ काट देने चाहिए और गुंडाइज्म करने वालों के सर धड़ से अलग कर देने चाहिए, अलग कर देने चाहिए। आप एक पुलिस वाले हैं, ये बात भूलकर कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे हैं। जो काम मैं पुलिस की वर्दी में रहकर नहीं कर सका वो पुलिस की वर्दी उतार कर किया। जिस दिन से मैंने कानून हाथ में लिया उस दिन से आप हमारे शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड देख सकते हैं सर। चोरी डकैती तो बहुत दूर की बात है, कहीं पर किसी की जेब तक नहीं कटी है सर। किसी से भी पूछ लीजिए। स्वामी और नरसिम्हा को मारकर मैं कानून की नजर में एक हत्यारा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें मारा मेरी बीवी और बच्ची का खून का बदला लेने के लिए नहीं। इसी अदालत की सीढ़ियों पर न्याय की मूर्ति को अपने दरवाजे पर लगाने की उसने बात कही थी सर। हमारे कानून का मजाक उड़ाया था उसने। अगर मैंने उसे छोड़ दिया होता तो कल वो हमारी न्याय मूर्ति के साथ भी खिलवाड़ करता, उसकी सुरक्षा के लिए ही मैंने उसे जान से मार दिया। लेकिन इस समय मैं आपके सामने अपना सर उठाकर खड़ा हूं सर। आप जो भी सजा मुझे सुनाएंगे उसे मैं बड़े ही आदर के साथ स्वीकारूंगा सर, आदर के साथ स्वीकारूंगा। फांसी की सजा सुनाइए सर, मुझ जैसे हत्यारे को फांसी की सजा सुनाइए, मगर साथ ही पुलिस की लाठी को पावर भी दीजिए सर। तभी पुलिस वालों की लाठियों में गुदे हुए शेर का सीना चौड़ा हो पाएगा सर। पुलिस वाले हमारे नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले, चाबी देकर चलने वाले खिलौने नहीं है सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में हमारे देश में पुलिस वालों का नामो निशान मिट जाएगा सर। पुलिस वाला किसी का गुलाम नहीं, ऐसा बोलिए सर। पुलिस के बूट पटकने पर गुंडों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जानी चाहिए सर। बोलिए सर, इसे मेरी फांसी पर मरने से पहले की अंतिम इच्छा समझकर बोलिए सर। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो लौटा नहीं सकता, और इस कुर्सी में बैठकर तुम्हें फांसी देने की शक्ति मुझ में नहीं है। द जजमेंट इज डिजर्व्ड।
तेरी यही सजा है।